किया था, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अभी रिकॉर्डिंग चालू किया है। ओके, मेन बोर्ड पे 34 कंपनीज लिस्टेड हुई थी, 12 कंपनी एसएमई में आई थी। कौन सी कंपनी थी? अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा 34 पे, तो देखो सारी कंपनियों का लिस्ट आ गया, राइट? जोमाटो ना, क्लीन एनर्जी ना, भी जो श्याम मेटालिक्स, इच एंड एवरी कंपनी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों। मैंने इन चीजों को कॉपी पेस्ट कर दिया इधर, देख रहे हो दोस्तों आप लोग रॉ डेटा। तो ये रॉ डेटा दोस्तों कैसे बना है, यहीं से डेटा हमने कॉपी पेस्ट किया है दोस्तों, इधर से, राइट? तो मुझे यहां से ये डेटा मिला, मुझे पता चला कि इशू प्राइस क्या थी। जैसे रेलटेक कॉर्पोरेशन 94 रुपीज का इशू प्राइस था, लिस्टिंग डे के दिन 121 रुपए पे बंद रहा, तो इसमें गेन कितना हुआ दोस्तों, 27 रुपीज का मुझे रेलटेल में इशू आईपीओ के दिन गेन मिला। अब तक अभी इसका प्राइस अभी भी 125 रुपया ही है, तो लिस्टिंग डे के दिन भी ये 121 पे क्लोज रहा था, अभी भी 125 है, तो अब तक मेरा गेन कितना है, 31 रुपीज, राइट? इसी प्रकार से दोस्तों सारी कंपनियां है यहाँ पे। कल्याण ज्वेलर 11 रुपए का नेगेटिव लिस्टिंग था, अभी 25 रुपए का नेगेटिव लिस्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर कंपनीज। व्हाट आई हैव डिड, आई जस्ट वेंट थ्रू 2020, 2019, 2018, 17, ये 4-5 साल का पूरा डेटा मैंने इधर कॉपी कर दिया। डन, यहां से मुझे पता चला कि कौन सी कंपनी ओके रिटर्न कितने हैं। देखो मैंने सारे डेटा को यहां पे ले लिया है, आईपीओ 4 ईयर, तो मुझे पता चला पिछले 4 साल में 122 कंपनियां टोटली आईपीओ में आई है, जिसमें एवरेज गेन 25% मिला है। मतलब इसमें कितनी कंपनियां दोस्तों नेगेटिव रिटर्न पे है, राइट? देखो यहां पे मैं फिल्टर करता हूं, ये डेटा जो लिंक आपको मिली हुई है उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, यह है ओपनिंग गेन। तो एज यू कैन सी, इतनी कंपनियों में मुझे ओपनिंग गेन मिला, मैं 1% को भी गेन ही मान रहा हूं, तो 83 कंपनीज में मुझे ओपनिंग गेन पॉजिटिव मिला, और 42 कंपनीज ऐसी भी है दोस्तों जहां पे नेगेटिव गेन मिला है, राइट? तो नेगेटिव गेन वाली भी कई कंपनियां हैं। और उसके साथ दोस्तों अगर मैं अब तक का रिटर्न देखूं क्लोजिंग प्राइस का, तभी भी दोस्तों मेरे पास कितनी कंपनियां हैं पॉजिटिव रिटर्न वाली, देखो लाइफ टाइम हाई पे बाजार है दोस्तों, तो बाजार जब अच्छा होता है तब तो रिटर्न अच्छे ही रहते हैं। फिर भी 79 कंपनीज के पॉजिटिव रिटर्न है, और कितनी कंपनी के, 46 कंपनी के नेगेटिव रिटर्न है। तो अंदाजा लगाओ दोस्तों, अगर लाइफ टाइम हाई पे भी 46 कंपनी के रिटर्न नेगेटिव है, तो बाजार टूटे तो क्या होगा, ये फिगर बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो तैयारी रखो दोस्तों, हर एक कंपनी हमारे काम की नहीं है। हर वो कंपनी जो लिस्ट हुई, इतने सारे जो रॉ डेटा है, इसमें से जो मुझे जो कंपनी मिली इतने सालों में, 121 में से मैंने मुश्किल से 3-4 कंपनी में निवेश किया है दोस्तों। कितनी कंपनियां कह रहा हूं, आई जस्ट गॉट 3-4 कंपनीज आउट ऑफ दिस होल बंच ऑफ कंपनीज, एंड दैट कंपनी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। मैंने उसको आईपीओ जब लिस्ट हुआ उसके दूसरे दिन भी लिया, उसके बाद भी मुझे बहुत बार जब जब मौके मिले मैंने वहां पे पैसा लगाया, और अभी भी भले डीमार्ट मैंने 2017 में पैसा लगाया था, मैंने 2019 में भी लगाया, पिछले साल जब बाजार गिरा तब भी मैंने पैसा लगाया, क्योंकि मेरा विजन क्या है कि यहाँ पे डीमार्ट अगर आज 30,000 करोड़ का धंधा कर रही है, ये 3,00,000 करोड़ के धंधे पे पहुंचेगी, जबरदस्त पैसा बनना है। एफएल में पैसा लगाया, आईआरसीटीसी में लगाया, रूट मोबाइल में लगाया, एचडीएफसी एएमसी, राइट?
पूरी आप लिस्ट देखोगे तो कुछ कंपनियां मुझे मिली पिछले इतने सालों में जहां पे पैसा एक बार नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब जब बाजार नीचे आता है, जब जब शेयर नीचे आता है, वी एक्यूमुलेट। तो ये हमें पहले दिन से पता होता है दोस्त, जब आईपीओ आता है तब से ये प्लानिंग हो जाता है कि कहाँ कहाँ पैसा हम निवेश करेंगे। अब हम भाव नहीं देखेंगे, भले वो नेगेटिव हो। मैंने कई कंपनी ऐसी भी थी जैसे LTI, LTTS, आईपीओ के बाद वो बहुत समय तक नेगेटिव रही थी। तो नेगेटिव रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा तो एडवांस में प्लानिंग था कि इधर पैसा लगाना है, तो अगर वो नेगेटिव है देन दैट इज द अपॉर्चुनिटी, राइट। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके क्या मुझे ये बता सकते हो कि, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो वो कौन सा इंडिकेटर होता है जिसको देख के मैं प्लान कर सकूं कि यहां पे तो पैसा जबरदस्त बनना है, राइट। यस यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। व्हाट इज द इंडिकेटर विच टेल्स मी कि ये तो पैसा जबरदस्त बनना है इधर। या वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। ओके, नाउ लेट मी गो थ्रू योर स्प्रेडशीट। चलो हम इसकी एक्सरसाइज करें और प्रैक्टिकली जानने का प्रयास करें कि क्या होगा। अब जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ले जाने का बात कर रहा हूं तो एक चीज के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा कि आज के 1.5 घंटे से ये पता नहीं चलने वाला है। पूरे पूरा आज के 1.5 घंटे में हम शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से 3-1 एपिसोड होंगे, राइट। नेक्स्ट थर्सडे भी हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तो आने वाले 3-4 वीक मिलके ये क्लियरिटी होगी, बराबर है। पर आज से हम शुरू कर देते हैं। तो यहां पे कंपनियां कहीं है, कैसे हम इन हजारों कंपनियों में से ढूंढे कि मेरा वेल्थ क्रिएटर कौन सा है, इसके लिए कुछ कुछ प्रश्न मुझे, कुछ प्रश्नों के जवाब मुझे उन कंपनियों से लेने पड़ेंगे, राइट। चलो मैं यहां पे, ओके वंडरफुल, एमबी सुमार सोनार जी ने अपना टैब भी बना दिया, क्या बात है, गुड। चलो नो प्रॉब्लम, मैं यहां पे नीचे लर्निंग लिखता हूं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके जवाब मुझे चाहिए, राइट। सबसे पहला प्रश्न मेरा होता है जब भी कोई कंपनी का लिस्टिंग होता है, आज सॉरी आईपीओ आता है, व्हाट इज द ऑफर, ये ऑफर क्या है। ऑफर मतलब देखो कंपनी आई है, अब कंपनी आई है आपको ऑफर करने के लिए, मेरे शेयर ले लो इतना भाव है, तो आपको जानना है कि ऑफर क्या है, राइट। अब ये जो ऑफर जो आपको मिली है तो ये ऑफर कौन दे रहा है, राइट, हु इज मेकिंग द ऑफर। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मुझे ये जानना है कि कौन है जो मुझे ऑफर कर रहा है। अब सामने वाला जो बंदा जो मुझे ऑफर कर रहा है ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्यों ऐसा है कि आज भी स्टॉक एक्सचेंज में 4,000 कंपनियां लिस्टेड है और 80% कंपनी पैसा नहीं बना के देती है, सिर्फ 2-3% कंपनी होती है जो जबरदस्त पैसा बना के देती है, वेल्थ क्रिएट करके देती है। तो ये हमें जानना होता है कि ये ऑफर लेके जो आया है आर दे ट्रस्टवर्दी। तो मैं देखता हूं SHP, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि आज कंपनी में दूसरे कौन मेरे भागीदार है और इन भागीदारों में से मुझे शेयर देने को कौन आया है, राइट। तो कितने भाव में दे रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सही में लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या प्राइस में ऑफर कर रहा है। भाव भाव जाने दो, वो तो आप यार एक बार भाव देने वाले हो, महंगा भी ले लिया चलेगा, पर वो जो घर पे प्रोडक्ट खरीद के आए
वो क्वालिटी नहीं है तो क्या काम की। फर्ज करो 100 रुपए में कोई चीज लेके आए आप खुश हो, आपको वेल बार्गेन चीज मिली, सस्ती मिली है, घर आए अब वो चीज काम ही नहीं कर रही है, तो आपका जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ, हरगिज नहीं हुआ। लेकिन आपने कोई चीज महंगी भी खरीदी पर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो काम कर रही है, अब उसका इस्तेमाल आप 2 साल 5 साल 10 साल करते हो, यू आर हैप्पी, तो आप भाव भूल जाते हो कि आप कितने में वो चीज को खरीद के लाए। आपको याद क्या रहता है पता है? द बेनिफिट्स विच यू टेक विच यू टुक फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। उसी प्रकार से जो कंपनी ऑफर कर रही है, प्राइस इज द लिस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो भाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो भाव में मुझे मिल क्या रहा है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो पी भी काम नहीं लगेगा, हमें ये काम लगेगा कि किस बेस पे, बेसिस ऑफ द ऑफर, ये जो ऑफर है उसके बेस क्या है। लेट मी रिपीट, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द ऑफर। किस बेस पे तुम मुझसे 100 रुपए मांग रहे हो, किस बेस पे तुम मुझसे 5,000 रुपए मांग रहे हो, राइट? बेसिस ऑफ द ऑफर। और बताओ मुझे आईपीओ में मुझे और क्या जानना पड़ेगा? यस एनीबडी, यू कैन यूज चैट बॉक्स। बेसिस के अलावा और मुझे क्या जानना है? मुझे कंपनी की 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे कि नहीं, राइट? अब आप लोग सीखे हुए हो ऑलरेडी, कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखने बताओ, राइट? आप में से 95% पीपल जो आज अटेंडी है, यू आर पास स्टूडेंट, तो कौन से 3 स्टेटमेंट देखने हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? तो ये 3 स्टेटमेंट देख के हमें अंदाजा आएगा कि कंपनी का अभी का स्टेटस क्या है, राइट? तो हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कंपनी के देखेंगे और अंदाज लगाने का प्रयत्न करेंगे कि हाल क्या है, राइट? इन स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जो स्टेटमेंट हमने देखे, हमें अंदाज आ गया कि चलो भाई, मानते हैं तुम इतना धंधा कर रहे हो, मानते हैं तुम पे इतनी डेब्ट है, पर आने वाले समय में डेब्ट घटेगी कि बढ़ेगी? आने वाले समय में आज तुम्हारा 5,000 करोड़ का धंधा है, आने वाले समय में ये 10,000 करोड़ पहुंचेगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड है दोस्तों? कौन बताएगा मुझे? क्या अशोक भाई, किस पे डिपेंड है कि तुम्हारा धंधा बढ़ेगा कि नहीं? क्या बात है जैद भाई, जय किशन जी, वंडरफुल। सेक्टर, मुझे जानना है तुम जो सेक्टर से ताल्लुक रखते हो, ये जो तुम्हारा जो सेक्टर है, इसका इसका कितना ग्रोथ है, क्या ये सेक्टर बढ़ने वाला है कि ये एवरेज सेक्टर का है, राइट? देखो, एक टाइम था जब पेपर का सेक्टर बहुत चलता था, तो वो टाइम पे पेपर के आईपीओ भी आए, तो वो टाइम पे पेपर के आईपीओ 50-50% प्लस खुले। अभी आप वो सारे चेक करोगे तो वो जो 50% प्लस खुले थे वो अभी 50% डाउन है। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने के साथ, राइट? देखो, ये ट्रेडरों के लिए ठीक है, उनको लगता है कि मैं निकल जाऊंगा, हमारे लिए सब चीज काम की नहीं। हमें ये देखना है कि जो सेक्टर से तुम बिलोंग करते हो, क्या ये सेक्टर बढ़ेगा, उसका आने वाले 5 साल 10 साल का क्या भविष्य है। अगर आपके सेक्टर का भविष्य नहीं है तो आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, राइट? तो हमें इनका सेक्टर जानना है, राइट? सेक्टर जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे ये प्रोडक्ट है, तुम ये काम करते हो, मुझे अब क्या देखना है दोस्तों? पीयर ग्रुप। मैंने तुम्हारा सेक्टर जाना, अब मैं ये जानने का प्रयत्न करूंगा कि ये जो कंपनी है ऐसा ही धंधा करने वाली और कितनी कंपनी बाजार में है। मैं ये जानना चाहता हूं तुम अच्छे हो कि वो तुम्हारी पड़ोसी कंपनी अच्छी है, राइट और रॉन्ग? सही प्रश्न है ना दोस्तों, राइट? हमें ये प्रश्न का जवाब चाहिए। अगर
तुम्हारी जो कंपनी है जो आईपीओ लेके आई है उससे ज्यादा कोई और कंपनी धंधा करती है। लेट मी टेल यू, सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर तुम्हारी कंपनी से कोई और कंपनी ज्यादा धंधा करती है तो तुम्हारी कंपनी किधर मार खा रही है? सबसे पहली खूबी जो बिजनेस की होनी चाहिए जो सेल्स है, वहां पे कोई और कंपनी उससे अच्छी है। Am I right or wrong? तो हमें इतना तो पता चल गया भाई तुम यहाँ पे कमजोर हो यार, और हम कमजोर लोगों के साथ पैसा नहीं लगाते, हमें स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ, और पहली स्ट्रेंथ है धंधा। क्यों धंधा नहीं कर पाते हो चलो बताओ, राइट? हमें धंधा चाहिए ही चाहिए। तो हम पीयर ग्रुप से कंपेयर करके जानने का प्रयास करेंगे कि तुम धंधा कर पा रहे हो या कोई और है जो धंधा कर रहा है, कोई और है जिसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। क्या तुम ये धंधा कम इक्विटी कम डेप्ट से कर पा रहे हो? क्या तुम घर प्रॉफिट ले जा पा रहे हो? अगर तुम्हारे पड़ोसी भाई घर पर प्रॉफिट ले जा पा रहे तो तुमको भी ले जाना पड़ेगा। अगर सब प्रॉफिट कर रहे गांव प्रॉफिट में, तुम लॉस में तो कैसे चलेगा? मेरे को तो गांव प्रॉफिट में तुम लॉस में नहीं, मेरे को तो गांव का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी चाहिए। तुम बहाने बनाओगे मैं प्रॉफिट इस कारण से नहीं कर रहा हूं, नहीं चलेगा। आई नीड द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो हम ये पीयर ग्रुप से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो आईपीओ लेके जो कंपनी आई है ये सबसे तगड़ा धंधा करने वाली है, ये सबसे हाई क्वालिटी है। अगर इन सब के जवाब आपको हाँ में मिले फिर ही पैसा लगाएंगे, राइट? तो इन सब के जवाब हमें चाहिए दोस्तों पीयर ग्रुप से, राइट? चलो हम ये सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। ये पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये लिस्ट कौन सा है कौन बता सकते हैं? चलो ये क्या है? मेड प्लस हेल्थ, टारसन, क्या ये पीपी फिनटेक? क्या है पीपी? यानी पता नहीं कौन सी कंपनी आ गई यार, ये सब कंपनी का कहाँ रिसर्च करेगी? पीबी यानी पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, राइट? देखो ऐसे ही आईपीओ के रिसर्च में से मेरे को naukri.com मिली थी बरसों पहले, अब तक संभाल के रखी है। ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया है उसने, उसी ने इसी कंपनी में पैसा डाला है। तो पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार कैसी है जानना पड़ेगा कि नहीं, राइट? हमें पेटीएम आ रही है, ये गो फैशन कौन है? तो ये सब डेटा कहां से मैं लाया हूं, चलो उस पे हम लोग बात करें। क्योंकि कुछ आईपीओ आ गए, जो आ गए वो कैसे थे ये मेरे को जानने हैं, और कुछ आईपीओ आने वाले हैं। दोस्तों हमारा ये जो पूरी बातचीत खत्म होगी ना, अंदाजा लगाओ आपके पास एक ऐसी स्प्रेडशीट तैयार होने वाली है जिसपे नई सारी कंपनी के रिसर्च आ जाएंगे। ये अलग अलग टैब बनेगी और आपके पास सारी 50 कंपनियां जो नई है इनके डेटा आपके पास होंगे। वंडरफुल, एक्साइटेड हो सारे डेटा लेने के लिए? हाँ, पर देखो मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग दुविधा में थे कि चलो फटाफट फटाफट एक ही दिन में मीटिंग कर लो, डेढ़ घंटे में सबको बता दो कैसे आईपीओ ढूंढना है, पर हमने सोचा ऐसा नहीं करना है। मैं कोई भी चीज को खत्म करने में तो इंटरेस्ट है ही नहीं ना जल्दी। अपना रिलेशनशिप भी कितना पुराना है ना, आप में से कई लोग 15 साल पुराने दोस्त हैं, राइट? सो हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम पूरे पूरा डेटा यहाँ पे लेंगे और आप सब से हम रिसर्च कराएंगे ताकि ये स्प्रेडशीट में 50 कंपनी आ जाए जो आने वाले 5 महीने में आईपीओ लेके आने वाली है ना। ये अदानी विल्मार भी इधर आ गया, राइट? तो आपका डेटा ये बहुत काम लगने वाला है। ओके, एक्साइटेड? चलो आगे बढ़े। फिर अब देखो मैं ये कहां से लेके आया हूं, मैं वापस आता हूं बीएससी इंडिया पे। आई हैव क्लिक दिस पब्लिक इशू, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। इन पब्लिक इशू में मैं यहां गया पब्लिक इशूज पे। कैन यू सी हियर अ स्मॉल टैब पब्लिक इशूज? अब ये पब्लिक इशूज में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम अभी अच्छी चीजों पे नहीं जा रहे। आई जस्ट वेंट टू आईपीओ, मैंने आईपीओ पे क्लिक किया तो देखो ये सारी, देखो
ये वो जगह है जहां पे जितनी भी कंपनियों का आईपीओ आने वाला होता है ना, तो आईपीओ आने से पहले ये कंपनियां अपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, राइट, ये अपना ड्राफ्टेड आरएचपी पब्लिश करती है बीएससी इंडिया पे। तो आपको ये जगह से हर वो कंपनी जो कल आईपीओ लेके आने वाली है उनके डेटा मिल जाएंगे। कुछ कंपनियां तुरंत आईपीओ लाएगी, कुछ कंपनी में टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे भी सफायर फूड, यानी अभी आप लोगों ने इनका आईपीओ देखा ना, देवयानी, तो उनके पास पूरा भारत नहीं है, ये मत समझना पूरे भारत के पिज्जा हट के डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट, या पूरे भारत के वो, ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। तो सफायर फूड भी उन्हीं की तरह एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के, राइट। तो हम इन सब कंपनियों में से ढूंढेंगे आज कंपनियां कौन सी हमारे काम की है। ओके रेडी? तो मैंने यही डेटा कॉपी पेस्ट किया, देखो इधर है ना वही डेटा। अब मैं शुरू करूंगा मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड से, बराबर है, मैं यहां से शुरू करूं, टारसन, नुवोकोविस्टा, एम क्योर, कितनी सारी कंपनियां हैं, राइट। कोई भी कंपनी मैं टेस्ट के लिए ले सकता हूं, राइट, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, यहां पे अपना अपना नाम लिखना चालू कर दो, राइट, कि भी ये मेड प्लस मैं देखने वाला हूं, ये जो नुवोकोविस्टा है ना इसके सामने ये मैं टेस्ट के लिए उपयोग में ले लेता हूं। टेस्ट किस चीज के लिए है, ये मैं टेस्ट इस पे करूंगा, राइट, क्योंकि आप नुवो को पे करोगे काम नहीं लगेगा, अब भी हमने डेटा दे दिया आपको, राइट। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को अलग अलग कंपनियां मिले इधर। मुझे पता है ज्यादातर लोग यहाँ पे इधर दौड़ने वाले हैं फेमस कंपनियों पे, है ना, नो प्रॉब्लम, यू कैन सिलेक्ट योर ओन कंपनीज फ्रॉम दिस होल लिस्ट। देखो 100 कंपनीज का पूरा लिस्ट है, आप पसंद करो, राइट, आप दोस्तों पसंद करो, प्लस दबाओ, अपना नाम लिखो। मैं इधर टेस्ट लिख देता हूं, और टेस्ट में मैंने क्या लिया हुआ है, नूवो। ओके, तो ये टैब मेरी हो गई, अभी अभी इस पे कोई मत देखना यार, ये मेरा टैब है ना। ओके चलो, ये लर्निंग वाले में आप लोगों को अपना नाम लिखना है, सो दिस इज द टेस्ट, राइट। चलो थोड़ी देर के बाद कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, राइट, क्या टाइम हुआ है, 7:41, चलो 4 मिनट, 7:45 तक आप सब लोग अपनी अपनी कंपनी सिलेक्ट कर दो और एक एक टैब बना दो, राइट ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, यू हैव 4 मिनट्स, जस्ट कंप्लीट योर वर्क। बढ़िया टाइम पे याद करा दिया अरुण भाई। ओके देखो ये डेटा पूरा आ गया मेरे पास, राइट। अब ये कौन सी कंपनी का है, अभी जिसका आईपीओ जस्ट अभी आया, नुवो को विस्टास का आईपीओ है ना। चलो उन लोगों का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, पर ये डाउनलोड नहीं हुआ है दोस्तों, ये खाली ओपन हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो यहां पे आपको दिख रहा है डाउनलोड का बटन, देखो कैन यू सी हियर, इसको क्लिक करके आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर दीजिए। देखो मैंने जैसे ही बटन दबाया ये समझ गया, और मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट आईपीओ का है, देखो सारी कंपनी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है क्योंकि मैंने इनका रिसर्च किया हुआ है ना। देखो यहाँ नुवोको में ये ऑलरेडी मेरे पास आरएचपी पड़ा है, नो प्रॉब्लम, मैं वापस से डाउनलोड कर देता हूं। तो देखो अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो क्या दोस्तों कभी भी आपके पास इंटरनेट नहीं है, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो भी आपके पास डेटा आ गया ना, तो ये डेटा के बेस पे आप रिसर्च कर पाओगे, राइट। अब जब मैं नया नया आईपीओ को रिसर्च करता था तो मैं ये आरएचपी देख के पहला तो पागल हो जाता था, ओ माय गुडनेस, इतना तो स्कूल में भी पढ़ाई नहीं किया है, 500 पेज, इतना पढ़ते पढ़ते तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे अभी भी याद,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का आईपीओ आया था, मैंने ये पूरा पढ़ा था, क्योंकि मेरे को उस समय समझ ही नहीं था कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है, राइट। और मेरे को लर्निंग बहुत अच्छा मिला, पर मैंने इतने सारे आईपीओ पूरे पढ़े तो पता चल गया कि ये सब काम का नहीं है। अब हम खाली काम की चीज पढ़ेंगे इसमें, राइट। मेरी जो इंफॉर्मेशन थी, अब मैं भी कोई अकाउंट फील्ड से तो आया नहीं था, मैं भी केमिकल लाइन से आया था, तो मेरे को भी सारी चीजें समझ नहीं आती थी, पर मैंने इतने सारे ये आरएचपी पढ़े ना कि धीमे धीमे पता चलने लगा कि काम की चीजें कौन सी होती है, क्योंकि धोखे भी बहुत खाए, बहुत सी कंपनियों की हवा होती है, पैसे लगाते अपन फिर वो गड़बड़ हो जाती है वहां पे, और बहुत सी कंपनियों की हवा ही नहीं होती है, लेकिन आईपीओ के बाद वो कंपनियां जबरदस्त चलती है, ऐसा भी होता है, राइट। तो मैंने कुछ चीजें देखी कि ये सारी चीजें जबरदस्त काम की, ओके। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब जबकि मैंने नुवोको का ये पहला पेज ओपन कर लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी अपनी कंपनी का पहला पेज चाहो तो मेरे साथ ओपन कर सकते हो, राइट। या यू कैन डाउनलोड इट एंड सेव इट, बराबर है। लेकिन जब मैं समझाऊंगा तब मेरी बातों पे ध्यान देना, है ना, नहीं तो क्या होगा, आप खो जाओगे 500 पेजेस में, राइट। और जब मैं समझा रहा हूं उस समय ध्यान नहीं रहेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो मैं एक मिनट दे रहा हूं, यू कैन डाउनलोड, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। जस्ट डाउनलोड एंड कीप इट एट योर डेस्कटॉप, ताकि ये आरएचपी सेव हो जाए आपके कंप्यूटर पे और हम शांति से पढ़ पाए। जितने लोगों से होता है इट्स गुड, नहीं होता है वेरी गुड, पर कर पाते हो और नहीं कर रहे ये बिल्कुल वेरी गुड नहीं है ना। देखो बहुत से लोग कंप्यूटर से इतने वो नहीं होंगे कि एकदम परफेक्ट, तो हो सकता है उनसे थोड़ा टाइम लगे तो उनके लिए वो चलेगा, पर जिनको आता है पर सोचेंगे नहीं मैं तो शांति से देख लूंगा, वो नहीं चलेगा, राइट। चलो अब सुरेंद्र जी, चलो ये भी मैं कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूं इधर, आपने लिखा है कि वो जगह नहीं मिल रही है ना, देखो ये मैंने अभी ग्रुप में लिंक कॉपी पेस्ट कर दी, तो क्या हुआ अब ये जो लिंक है ये लिंक सीधी आपको ये पहले पेज पे ले आई, राइट। अब जो लोगों ने ये नीचे वाली सब कंपनियां सिलेक्ट की है उनको अपनी कंपनी किधर से मिलेगी पता है, ये दूसरे पेज से, तीसरे पेज से, राइट। जैसे आनंद राठी मेरे को अभी याद है, अहूजा जी ने सिलेक्ट की थी 197, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, पेटीएम है ये, राइट। तो ये पेटीएम जो है 197, ये अगर आप ढूंढ रहे थे तो यू कैन गो टू योर सेकंड पेज, राइट। ऐसे ही आपको अलग अलग पेज पे मिल जाएंगी कंपनियां लाइन टू लाइन, डन। चलो अभी थोड़ा मैं समझाता हूं, उस पर ध्यान दे दीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ना, बराबर है। चलो मैं आया, हम सब लोग अभी नुवोको का तो रिसर्च कर ही लेते हैं, राइट, ताकि नुवोको जैसा आप अपनी कंपनी में डेटा देख सको, ऑलराइट। चलो मैं क्या करता हूं, मैंने एक टेस्ट वाला पेज बनाया था, टेस्ट लिंक कर देता हूं। देखो मैं मेरी टैब को कैसे लिंक करूंगा, राइट क्लिक, इंसर्ट लिंक, शीट्स इन द स्प्रेडशीट, इधर गया मेरा नाम, ओके, मैं तो भूल गया मैंने नाम भी लिखा था कि नहीं, लेट मी चेक। ओहो आप सब लोगों ने तो परफेक्टली लिख दिया ना, मैं ही रह गया, ओके, ओ लिखा हुआ है टेस्ट नुवो, चलो ये मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई, डन। चलो तो अब मैं मेरी नुवोको के पेज में चला जाता हूं, दिस इज टेस्ट नुवोको, ये स्टरलिट की स्टरलाइट किसी ने गलती से लिखा है, मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा, राइट। चलो यहीं से नाम मैंने कॉपी किया ताकि परफेक्ट नाम आ जाए और मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले
कंपनी का नाम आ गया, मैं कौन सी कंपनी का रिसर्च करने वाला हूं, इट इज नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, राइट। तो मेरी कंपनी का ये नाम है। अब मुझे कुछ डिटेल चाहिए मेरी कंपनी की, मैं डाउन स्क्रॉल किया, देखो यहाँ पे कई चीजें हैं, अभी हम इस चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सीधा डाउन स्क्रॉल कर दिया और टेबल ऑफ कंटेंट देख रहे हो, ये सबसे काम की चीज है क्योंकि हम इधर से कहीं भी जंप कर पाएंगे। सबसे पहले सेक्शन वन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन वन में मैं समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट में चला जाता हूं। किधर चला गया? समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। आई हैव क्लिक्ड द समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। आई होप आप लोग ये पेज देख पा रहे हो, राइट। तो मैं समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट में आ गया। अब समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या? असीम अहूजा जी, या असीम जी, आप कुछ बात कर पाएंगे इन चीज पे कि समरी का मतलब क्या है? देखो पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है, पर समरी का मतलब मुझे ये पेज से अंदाजे से क्या मिलने वाला है? Can you explain? हाँ सर, basically the juice or the gist of the complete prospectus. Absolutely right, sir. You are absolutely correct. So juice of whole prospectus. देखो शुरुआत में जब भी आप कोई कंपनी का रिसर्च करोगे, पूरा देखने की कोई जरूरी नहीं, खाली समरी देख लो, आपका 99% काम हो गया। इतना तो पता चल जाएगा कि मेहनत करनी है कि नहीं करनी, बराबर की नहीं, क्योंकि आप पूरा मेहनत करोगे, फिर आखिर में विश्लेषण क्या आएगा पता है? अवॉइड दिस कंपनी। अरे यार अवॉइड ही कंपनी करनी थी तो फिर काम क्यों किया हमने? तो समरी देख के इतना तो पता चल जाए कि मैं जहां मेहनत कर रहा हूं वहां करने जैसी है कि नहीं मेहनत, राइट। तो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं, ओके। समरी में सबसे पहले अवर प्राइमरी बिजनेस, तो ये जो नुवोको कंपनी है इन्होंने अपने बिजनेस की बात कही है, राइट। मैं थोड़ा और बड़ा करूं आपको दिखे उस, इसलिए चलिए। आई होप नाउ यू आर एबल टू वॉच इट। दोस्तों अभी जब मैं नुवोको पढ़ रहा हूं, मेरा रिक्वेस्ट है आप अपनी कंपनी मत पढ़ना, क्योंकि 50% जगह पे ऐसा ही चल रहा होगा, है ना। मैं मेरी कंपनी पहले देख लू, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले नुवोको देखो फिर आप अपनी कंपनी देखना, ओके। चलो तो नुवोको जो कंपनी है वो ये कहती है हमारा प्राइमरी बिजनेस और हमारी इंडस्ट्री कौन सी है, क्योंकि वो जानती है रिटेल इन्वेस्टर नहीं, पर जो बड़े निवेशक जो करोड़ों रुपया डालने वाले इन कंपनी में, उनको ये प्रश्न का जवाब चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या है। नहीं, तुम्हारा बिजनेस तो 10 धंधों में हो सकता है, तुम्हारा प्राइमरी बिजनेस क्या है? आई विल रिपीट, तुम्हारा प्राइमरी बिजनेस क्या है और इंडस्ट्री कौन सी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजों से तुम्हारा भविष्य डिपेंड है, राइट। तो मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, नुवोको ये कहती है वी मैन्युफैक्चर सीमेंट। चल इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मुझे इतना तो पता चल गया कि ये सीमेंट इंडस्ट्री की एक कंपनी है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर इधर मेरे को मिला है, इंडस्ट्री, क्या लिखूं बोलो? चलो इधर सीमेंट, या इसको मैं थोड़ा जो हेडिंग्स है उनको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं और नीचे मैं लिखता हूं दिस इज द कंपनी फ्रॉम सीमेंट। तो मेरे को इतना पता चला कि ये सीमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक करती है। अब दोस्तों अगर सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी तो नुवोको को उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली। पर सीमेंट इंडस्ट्री में मान लो कोई भी कारण से स्ट्रगल आते हैं तो सीमेंट नुवोको को भी क्या होगा? स्ट्रगल होगा, राइट।
अब अभी तो आप जानती हो कि सीमेंट इंडस्ट्री को चांदी चांदी है, बराबर, जैसे अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट है, या आपकी अंबुजा है, सारी कंपनियों के इस साल प्रॉफिट बढ़ गए, तो नोवोको को फायदा उसका हुआ होगा, राइट। पर ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, तो हम अब इसको देखेंगे दूसरी सीमेंट कंपनियों के साथ। क्लियर हो गया इतनी बात, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, वी मैन्युफैक्चर सीमेंट एंड आर द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडिया। चलो मेरे को और एक जवाब मिल गया, तो शुरुआत में मुझे एक प्रश्न था कि तुम धंधा कैसा करते हो। अब तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। इंडिया में 100 कंपनी है सीमेंट की, कितनी? There are hundreds of companies. There are around 30 listed companies. अब 30 listed company हुई, 100 कंपनियां यूं ही हो गई छोटी मोटी। ये कंपनी अगर पांचवी सबसे बड़ी है तो ये छोटी मोटी कंपनी है कि इनको हम बड़ी कंपनी में दर्जा देंगे? या यू कैन यूज द चैट बॉक्स। दिस इज अ स्मॉल कंपनी, बिग कंपनी और द लार्जेस्ट अमॉन्ग सीमेंट प्लेयर। क्या कहते हो, चलो बताओ मेरे को। या बिग 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 बिग, या एब्सोल्युटली राइट। देखो ये लार्जेस्ट नहीं, सबसे बड़ी नहीं, यानी कोई और है जो सबसे बड़ा है, जिसको धंधा करना सबसे अच्छा आता है, जिसको पता है मार्केट किधर है। पर ये भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बाकी 100 कंपनियों से हटके है, पांचवी सबसे बड़ी है। तो यहां पे मुझे एक और प्रश्न का जवाब मिल रहा है, अमोंग पीयर ग्रुप दिस आर फिफ्थ लार्जेस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि नहीं है। तो ये पांचवी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं है पर पांचवी सबसे बड़ी है, राइट। नाउ And the largest cement company in East India. तो मेरी जो नोवोको है वो ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट, ईस्टर्न इंडिया की, ओके। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी उन्होंने देखो क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी सेल्स में कोई और होगी, तो ये कह तो रहे कि मैं सबसे बड़ी हूँ ईस्ट इंडिया की, पर ये भी क्लियर हो जाओ कि ये सेल्स सबसे बड़ा नहीं करती है ईस्ट इंडिया में, कैपेसिटी इनकी सबसे बड़ी है। उनकी कैपेसिटी भी उन्होंने लिख दी 22.3 MMTPA। उनके 11 सीमेंट के प्लांट हैं, कंप्राइजिंग 5 इंटीग्रेटेड यूनिट्स वगैरह वगैरह, राइट। इन 11 हो, 20 हो या 5 हो, मेरे को इतना जवाब मिल गया कि ये जो कंपनी का मैं रिसर्च कर रहा हूं ये सबसे बड़ी नहीं है, ये पांचवे नंबर की है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, राइट, क्योंकि जो कंपनी में आप पैसा डालोगे वो कंपनी के पास ये खूबी तो होनी चाहिए कि वो धंधा एकदम तगड़ा करनी चाहिए, राइट। अब मैं ये नहीं कहता सबसे बड़ी पे ही ध्यान दो, पर सबसे बड़ी को आपको नाम पता होना चाहिए कि गब्बर कौन है आपके इंडस्ट्री का, है ना। वो छोटे मोटे गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे, गब्बर चाहिए अपने को। तो ऐसी कंपनी चाहिए जो मार्केट शेयर बढ़ा पाए। ये कंपनी फिफ्थ लार्जेस्ट है तो बड़ी तो है, मतलब धंधा तो अच्छा कर रही है, पर गब्बर कोई है और है, हमें उसका भी नाम ढूंढना है, राइट। चलो, इनके RMX प्लांट अक्रॉस द कंट्री है, ओके, नो नीड टू वरी। ये सारी चीजें हमने जान ली। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा मुझे मिला, अवर सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया की 4.2% ऑफ टोटल सीमेंट कैपेसिटी है। यानी हम अंदाजे से ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया में 100% धंधा होता है और ये कंपनी का 4.2% कैपेसिटी है, तो करीबन ये 4-5% इनका शेयर होगा, होगा कि नहीं, राइट। तो 4-5% इतने बड़े भारत में 100 कंपनियों में
अगर हम 100 कंपनियां देखें तो हर एक के हिस्से में एक एक परसेंट आना चाहिए, पर ये कुछ कंपनियों का हिस्सा खा जाती है 4-5%, राइट। अब इनसे बड़ा खिलाड़ी भी हमें देखना है और इनका भी मार्केट शेयर हमें अंदाजे से पता चला, am I right? तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट थी कि नहीं? अब ये लोग कह रहे 17% ऑफ ईस्ट इंडिया, चलो मेरे को जानने में इंटरेस्ट इतना बहुत नहीं है कि तुम्हारा ईस्ट इंडिया में कितना कैपेसिटी है, क्योंकि मेरी मैं खाली ईस्ट इंडियन कंपनी में पैसा नहीं डाल रहा हूँ, आई हैव होल इंडिया, बराबर है। एंड 5% ऑफ टोटल सीमेंट कैपेसिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, चलो ये पहली लाइन में मुझे दो इंपॉर्टेंट जवाब मिले, एक तो तुम्हारा धंधा क्या है और दूसरा तुम्हारे धंधे में तुम्हारा नंबर किधर आता है, राइट, क्लियर इतनी चीज। चलो वंडरफुल रवि भाई, अमरनाथ जी आप सबको तो पता ही अल्ट्राटेक नंबर वन है, चलो लेकिन अभी हम मानते हैं हमको नहीं पता है, ओके। चलो मैं वापस मेरे पेज पे आ जाता हूं, पहला पेज अपना कौन सा था, ओके अपना लर्निंग वाला पेज, राइट। चलो ये हमारा फर्स्ट है जहां पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली, इंडस्ट्री। चलो क्या लिखूं बोलो मेरे में, सीमेंट लिखूं, ओके। मार्केट शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना लिखूं बोलो, 4-5% मार्केट शेयर है मेरी कंपनी का। मुझे और एक चीज जाननी है, ये जो सेक्टर में बिलोंग करती है उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर वन कौन है, मतलब गब्बर कौन है सीमेंट का, इसका नाम भी हम ढूंढेंगे। अब मैं यहाँ पे नाम अभी नहीं लिख रहा हूं, हम ढूंढने के बाद ही इस पे बात करेंगे, क्योंकि आपको सीमेंट का पता होगा, लेकिन अब ये तारसन प्रोडक्ट क्या कर रही है, इनका धंधा क्या है, कैसा शेयर है उनका, वो जो धंधा करती है उसमें लीडर कौन है ये नहीं पता होगा आपको, ये गो फैशन में खिलाड़ी कौन है, सफायर फूड में खिलाड़ी कौन है, ये तो आप जानते हो जुबिलेंट फूड, बराबर है, नो प्रॉब्लम, हम इनमें से ही ढूंढेंगे, बराबर। तो आपके लिए पूरा 7 दिन का टाइम है, अब 7 दिन में शांति से ढूंढ लेना कि जो कंपनी आपने पसंद की है वो कौन से इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, उसका शेयर अच्छा है कि नहीं है, नहीं पता चले तो मत लिखना, इट्स ऑल राइट, और लीडर कंपनी हम अभी ढूंढेंगे, राइट। चलो वापस मैं आ जाता हूं इधर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे, तो समरी मेरे काम की है, मुझे समरी में से ही धंधा पता चला और उनका कद पता चला, लेंथ पता चली कि वो कितने बड़े है, राइट। अब मैं थोड़ा प्रमोटरों पे आ जाता हूं, देखो प्रमोटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, चिटर लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि वो ऐसी ही कंपनी बाहर निकालते, अच्छे प्रमोटर की आदत होती है वो अच्छी अच्छी कंपनियां देते, राइट। तो देखो ग्रुप असल में नहीं होता है, असल में ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप की सब कंपनी परफॉर्म करती है, हरगिज ऐसा नहीं है, राइट। पर टाटा ग्रुप एक अच्छा प्रमोटर है, तो अगर उनकी कंपनियां ग्रोइंग इंडस्ट्री में होगी वो सब कंपनियों तो परफॉर्म करनी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडस्ट्री अच्छा चल रही है फिर भी वो टाटा की कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ग्रुप अच्छा है तो आपका आधा काम हो जाता है। उसी प्रकार से एक अनिल अंबानी नाम का ग्रुप है, अब ऐसा हो सकता है वहां पे कि खरा अच्छी इंडस्ट्री हो तो भी आपके पैसे नहीं बने, क्योंकि आपको पता ही है कि उनकी दूसरी कंपनियां कैसा कर रही है। अब कल मान लो L&T कोई कंपनी लेके आता है, महिंद्रा कोई कंपनी लेके आता है, तो आप भरोसा तो करोगे ना, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ क्षेत्र में काम किया और नंबर वन पुरवार हुए, वो अच्छा काम कर पाते हैं। तो प्रमोटर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैं प्रमोटर पढ़ रहा हूं, द प्रमोटर आर नियोगी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड एंड डॉक्टर कर्शन भाई के पटेल, राइट। अब कर्शन के भाई के पटेल यानी ये निर्मा के मालिक, निर्मा नाम सुना है आप लोगों ने, राइट। अभी हो सकता है यहाँ कहीं नाम नहीं आया तो आपको आपकी कंपनी में प्रमोटर कौन होगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन देखो मेरी पुरानी हैबिट है, पुरानी, जब भी कोई प्रमोटर आता है ना, मैं सीधा नाम कंट्रोल सी किया, सीधा जाके इधर डॉक्टर कर्शन भाई पे के पटेल पे जाके एंटर मारता हूं,
आ गया, करसन भाई की डिटेल आ गई भाई, यार गूगल अंकल है इधर हमारे पास, राइट, पता चल गया। देखो अभी जहां से अभी ओके, देयर वाज सम डिस्टरबेंस, आई विल रिक्वेस्ट टू म्यूट योरसेल्फ। ओके देखो अभी जो जगह से मैं मीटिंग ले रहा हूँ ना, वो जगह, ये जो उनका जो बॉर्न हुआ है रुपपुर मेहसाणा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर हूँ खाली, राइट, वंडरफुल। तो ये करसन भाई की डिटेल आ गई, देखो कितना इनका ग्रुप है, करसन भाई घोड़ीदास पटेल इज एन इंडियन बिलियनर, 43,000 करोड़ का उनका पूरा निर्मा ग्रुप है, तो जबरदस्त हुआ ये, राइट, करीबन 40,000 करोड़ का एक ग्रुप है निर्मा ग्रुप, इज ऑलरेडी फेमस। तो मुझे कुछ डिटेल देखो एसआई करके पता चल गई, सिंपल, मैंने खाली कम कंट्रोल से कंट्रोल भी किया, आप भी कर सकते हो, राइट, कभी कभी यहां से डिटेल नहीं मिलती है, कभी कभी फेसबुक से मिल जाती है, तो कुछ तो पता चले प्रमोटरों के बारे में, राइट। देखो एज ऑफ 2021 फोर्ब ने उन्हें लिस्ट किया हुआ है, ये उनका 3.9 बिलियन US डॉलर का उनका नेटवर्थ है, राइट, तो ये कोई एरे गेरे प्रमोटर नहीं है, प्रूवन प्रमोटर है, इतना पता चल गया, गॉट इट। चलो अब ये एक्सरसाइज अभी मत करना आप अपने कंपनी की, ना नहीं तो खो जाओगे वापस, 7 दिन है आपके लिए दोस्तों, शांति से करना, राइट। तो ये हो गया अपना प्रमोटर, हमें पता चल गया नियोगी है, करसन भाई पटेल है, ओके। अब मैं ऑफर पे आता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं यहां पे इधर गई मेरी नुवो को, यहां पे प्रमोटर्स में लिख दिया मैंने निर्मा ग्रुप। तो निर्मा दोस्तों ऐसी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान लीवर को हैरान कर दिया था, और हिंदुस्तान लीवर से ज्यादा इनका मार्केट शेयर हुआ करता था इनकी प्रोडक्ट में, राइट। हालांकि जैसे आने वाले समय में आगे जमाना बढ़ता गया, लोग क्वालिटी पसंद करने लगे, तो वो क्वालिटी में इनका मार्केट शेयर इतना नहीं बढ़ा, और अभी धीमे धीमे हम निर्मा को भूलते जा रहे हैं, और बाकी की प्रोडक्ट ने इनकी जगह ले ली, राइट। चलिए ऑफर साइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफर साइज, राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जिनको यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि पीयूष भाई ये ऑफर ऑफर क्या होता है, तो दिस इज द ऑफर, ऑफर क्या लिखी है इधर, इतना लिखा है एग्रीगेटिंग अप टू 50,000 मिलियन, बराबर, मतलब करीबन 5,000 करोड़ की इनको ये ऑफर कर रहे हैं हमें, मतलब उनको 5,000 करोड़ चाहिए है, हमें नहीं, ये ऑफर लेके आए हैं, तुम मुझो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसी ऑफर हुई यहाँ पे, वो तो सब बहुत बड़ी ऑफर थी, चलो ये एक ऐसी ऑफर हुई, तुम मुझे पैसा दो 5,000 करोड़ दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें शेयर दूंगा, राइट। तो मेरे को इधर पता चल गया, मैं जहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, व्हाट इज द ऑफर, तो ऑफर कितने की लिखूं मैं इधर दोस्तों, कितने की बोलो, मैं मिलियन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग मिलियन नहीं समझ रहे, करोड़ लाखों की बात होती है इधर, राइट, पर आप लोग कई लोग आप आउट ऑफ इंडिया से भी आपने ज्वाइन किया, और इफ यू आर कंफर्टेबल इन मिलियन बिलियन यू कैन नोट डाउन इन मिलियन, इन्होंने तो मिलियन में ही फिगर दिया हुआ है, राइट, 50,000 मिलियन, सो यू कैन राइट डाउन 50,000 मिलियन। अब ये 5,000 करोड़ इनको चाहिए, पर ये 5,000 करोड़ किसको चाहिए, ये तो नुवो को मांग रहा है हमसे, पर ये 5,000 करोड़ क्या नुवो को के पास जाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो यहां पे दो चीजें होती है, एक है फ्रेश इशू और एक है ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है दोस्तों, लेट मी राइट इट डाउन हियर, राइट, मैं अभी समझा देता हूं आपको, पर मैं पहले लिख दू फ्रेश इशू
कितने का है दोस्तों? 1500 करोड़ रुपए, सॉरी 1500 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है। दोस्तों फ्रेश इशू का ये मतलब हुआ कि कंपनी अपना शेयर्स बढ़ाने वाली। मान लो कंपनी के पास 100 शेयर्स है, तो ये 100 शेयर्स बढ़ के 110, 120, 105 कुछ होने वाले हैं। हम बाद में गिनेंगे कितने हो जाएंगे, पर अभी के लिए सिंपल रखो कि कंपनी का जो इक्विटी है ये बढ़ने वाला है। इसे क्या कहते हैं आप? पेड अप इक्विटी, राइट। कंपनी का इक्विटी बढ़ेगा, कंपनी इक्विटी बढ़ा के कुछ शेयर नए लाने वाली है, इसीलिए लिखा है फ्रेश, नए शेयर्स इशू करेगी, वो फ्रेश शेयर आपको ऑफर करेगी, और जो पैसा आएगा 1500 करोड़, ये कंपनी के पास आएगा, यानी नोवो को वो कितना मिलेगा? 1500 करोड़ वुड बी गोइंग टू नोवो को। अब ये 1500 करोड़ से हो सकता है अलग अलग काम नोवो को करे, डेप्ट कम करे या प्लानिंग में काम कर सकते हैं, राइट। उसके साथ फ्रेश इशू के अलावा ऑफर फॉर सेल लिखा हुआ इधर। अब ऑफर फॉर सेल जब भी कोई कंपनी लाती है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ओएफएस कहते हैं, तो जब भी भविष्य में आप ओएफएस सुनो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओएफएस अभी जस्ट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी लेके आई थी, एचडीएफसी लाइफ भी लेके आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, एचडीएफसी ने अपने जो शेयर थे, अपने एचडीएफसी लाइफ का प्रमोटर कौन है दोस्तों? एचडीएफसी खुद। तो एचडीएफसी ने अपना हिस्सा थोड़ा बेचा, तो जो पैसे आए वो एचडीएफसी लाइफ को नहीं मिलेंगे ओएफएस, वो प्रमोटर को मिलेंगे जो वो केस में एचडीएफसी लाइफ है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में आईसीआईसीआई बैंक था, तो आईसीआईसीआई बैंक को 5-10 हजार करोड़ मिले होंगे, राइट। तो जो प्रमोटर होता है उसको पैसे ओएफएस से मिलते हैं, राइट। जहां पे ओएफएस ऑफर फॉर सेल कितने का है? 3500 करोड़ का। सो लेट मी राइट डाउन हियर, 500 करोड़ का ये ओएफएस है जो प्रमोटर्स को मिलने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, समझ लो 1500 करोड़ गए कंपनी के पास जो बोरोइंग या एक्सपांशन में काम लग सकते हैं, ये 3500 करोड़ गए प्रमोटर के पास जिन्होंने नोवो को में पैसा डाला था बरसों पहले, तो ये पैसा उनको चाहिए, तो वो अपने शेयर आपको ऑफर कर रहे, बोल रहे लो ये शेयर और मुझे पैसा दो, राइट। तो इसका कुछ भी लाभ नोवो को नहीं होने वाला है, ये 3500 करोड़ सीधे जाएंगे इनके प्रमोटर के पास जिन्होंने 5, 10, 15, 20 साल पहले पैसे लगाए होंगे। आज कंपनी जब लिस्ट हो रही है तो इसका ये लोगों को फायदा होगा। देखो ये भी बुरी बात नहीं, बहुत लोग इसको नेगेटिव लेते कि अरे ये तो सब पैसा लेके चले जाएंगे। अरे वो चले थोड़ी ना गए हैं, उल्टा आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट है, आप ऑप्शन खेलते हो, ये थोड़ी ना खेलते। इन्होंने भी तो 10 साल पहले का पैसा लगाया, अब 10 साल पहले पैसा लगाया, आज उनका पैसा बन रहा है आईपीओ के द्वारा, तो इट इज नॉट रॉन्ग। अब ये आने वाले 20 साल भी रहने वाले, गलत मत समझो कि आपको शेयर देके भाग जाएंगे। आपको तो शेयर, ये 2 शेयर दे रहे पर 80 शेयर तो उनके पास पड़े होंगे, राइट। सो डोंट टेक इट नेगेटिवली, लेकिन हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा किधर जाने वाला है, समझ गए? दिस वॉज द ऑफर, राइट। तो ये आपको किधर से पता चला? ऑफर साइज से पता चला और ऑफर की डिटेल से पता चला। क्लियर हो गया दोस्तों इतनी चीजें? आई होप दिस थिंग वर सिंपल, राइट। अब हम इसमें और गहराई में जाएंगे, ओके? चलिए
मुझे यहाँ पे ऑफर साइज पता चल गए, अब मेरे को ऑब्जेक्ट जानना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई क्यों ऑफर कर रहे हो, खुश नहीं हो क्या कंपनी में, तुम्हारे पास शेयर है, तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है, ये ऑफर लेके क्यों आए हो, ऑब्जेक्ट क्या है ऑफर का. सो दिस ऑल्सो इज अ गोल्डन क्वेश्चन. मैं यहां पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा. मैंने दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफर के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऑफर का ही एक पार्ट है ना. अब हम ऑफर कर रहे 1500 करोड़, तो ऑब्जेक्ट भी तो पूछे कि 1500 करोड़ तुम्हारे पास आएंगे, नोवोको के पास, तुम क्या करना चाहते हो ये 1500 करोड़ से, राइट. तो चलो देख ले दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है. देखो ये जो कंपनी है, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. रिपेमेंट, प्रीपेमेंट, रिडम्पशन इन फुल ऑल पार्ट ऑफ सर्टन बोरोइंग अवेल्ड बाय अवर कंपनी. मतलब हमारी कंपनी के सर पे जो कर्जा है, हम उसे फुल या पार्टली पेमेंट करना चाहते हैं. तो इन्होंने ये क्लियर नहीं लिखा है हम पूरा पेमेंट करेंगे कि पार्टली करेंगे, पर इनकी ये आइडिया क्लियर है कि 13,500 करोड़ में से हम पैसे को यूज करेंगे बोरोइंग खत्म करने, मतलब कंपनी की डेब्ट कम करने में ये पैसा यूज होने वाला है. डन. तो यहां पे मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट में बोरोइंग, चलो डेब्ट लिख देता हूं, रिड्यूस डेब्ट. अब इन्होंने तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि 13,000 करोड़ बोरोइंग में यूज करेंगे, तो एक हमारी बत्ती हमारे दिमाग में जलनी चाहिए कि इसका मतलब इतना तो क्लियर है कंपनी के सर पे 15,000 करोड़ का तो कर्जा होगा कि नहीं, राइट. तभी तो ये पैसे को वहां पे इस्तेमाल करने वाला है. अब एक एक डिटेल मिलेगी हमें, कौन सी कंपनी का कर्जा है, कितना कर्जा है और कितना यूज करेंगे. पर फिलहाल हम समरी में बता दूं मैं आपको, समरी मतलब डिटेल्ड नहीं, ईगल्स आई व्यू है, राइट. तो हम अभी वो गहराई पे नहीं जाएंगे कि वो किसको पैसा, कौन सी बैंक से लोन लिया है, हमें अभी उससे मतलब नहीं, हम वो बाद में देखेंगे. बट माय वन क्वेश्चन इज क्लियर दैट दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर डेब्ट एंड दैट इज द रीजन दे हैव केम विद द आईपीओ, राइट. और एक चीज, प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर जो OFS लेके आए हैं 3,500 करोड़, इनको नहीं पूछ सकते हम कि ये पैसे का आप क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है. सीधा इनका ऑब्जेक्ट है कि मेरे को 3,500 करोड़ आज चाहिए, राइट. अब ये तो इन्होंने इतने वर्षों से मेहनत करके रखी हुई है शेयर है, तो ये उसको कैश करेंगे. हम किससे पूछ सकते, कंपनी से पूछ सकते, क्योंकि पैसा कंपनी के पास आने वाला था 1,500 करोड़, उसका जवाब मिल गया कि रिड्यूस डेट. अब प्रमोटर को जो करना है वो करेंगे, वो उनका पैसा है, हमसे मतलब नहीं है, राइट. चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर रीपेमेंट क्लियर हो गया ये, राइट. अब एग्रीगेट प्री ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड सेलिंग शेयर होल्डर. देखो ये हमें नहीं जानना है कि तुम पैसे का क्या करोगे, पर वो कौन है जो हमें ये ऑफर कर रहा है, वो प्रमोटर कौन है जो 3,500 करोड़ लेके जाने वाला है, उनका तो नाम चाहिए कि नहीं, राइट. तो हम उनका नाम इधर से जाने, कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट. देखो कितना बढ़िया इन्होंने बताया हुआ है कि प्रमोटर जो है, खुद जो प्रमोटर है कंपनी के मालिक, उनके पास 95% शेयर है. मतलब देखो अच्छा है, कई कंपनी आती है जो खिचड़ी होती है, कोई फिक्स प्रमोटर ही नहीं होता है, 50 लोगों ने मिलके कंपनी बनाई हुई. यहां पे हाई क्लियरिटी है कि कुछ प्रमोटर है. अब वो प्रमोटर के पास तो पूरा 95% होल्डिंग है, प्रमोटर ग्रुप के पास 5.52% होल्डिंग है, प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर जो सेल करने वाले हैं, प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर प्रमोटर जो है
राइट, उनका भी हिस्सा 87%, राइट। हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे अभी कि वो कौन है सेलिंग शेयर होल्डर, पर इतनी चीज क्लियर रखे कि प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर है यहां, राइट। हमने पहले देखा कि दो प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं, कौन से दो प्रकार के, कोई बता सकता है यहाँ पे? यू कैन यूज द चैट बॉक्स। विच टू टाइप ऑफ शेयर होल्डर वुड बी देयर? एक हुए खुद प्रमोटर शेयर होल्डर, दूसरे जैद भाई ने बहुत बढ़िया लिखा, वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, है ना। तो दूसरे जो होते हैं वो निवेशक शेयर होल्डर होते हैं, राइट, जो पैसा लगाते हैं। तो वो पैसा जो लगाते हैं वो तो अपना पैसा कम भी करेंगे, जिंदगी भर कौन रहने वाला है, प्रमोटर रहने वाला है, इन्वेस्टर आएंगे, हो सकता है इन्वेस्टर भी जिंदगी भर रहे, राइट। पर हमें क्लियर हो जाए कि कौन प्रमोटर कौन निवेशक। तो ये केस में सबके सब कौन है, सेलिंग शेयर होल्डर, प्रमोटर ही है, कोई निवेशक नहीं है जो अपने शेयर को यहां पे बेचने वाला है, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। समरी, अगेन समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमें वैसे तो तीनों चीजें देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, और आखिरी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, राइट। लेकिन ये समरी है, ये तीनों चीजों को मिला के, तो दोस्तों देखो अगर आप खाली ये समरी को भी देख लो तो भी मोटी मोटी आपको आइडिया आ जाती है कंपनी कैसी होगी, राइट। वो सबसे पहला इन्होंने क्या डेटा दिया है यहां पे, सबसे पहला क्या है पढ़ सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। सो आरव खालसा, यस आरव, कैन यू अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या आरव आप? अब से मेरे ख्याल से पहले कभी भी हमारी बात नहीं हुई है आरव, तो शायद मैं आपको जानता नहीं हूं, इफ यू कैन अनम्यूट, या ओके। अजय बोरगावे, अजय बोरगावे, यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजय भाई यू आर फ्रॉम नासिक, राइट। अजय भाई इफ यू कैन अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, अमरजीत सिंह चड्डा, या अमरजीत सिंह जी, आर यू इन द पोजिशन टू अनम्यूट योर सेल्फ? तो इतना टाइम हो गया, बरसों बाद में जानने का प्रयास तो करूं कि पूरा लेसन अभी भी पक्का है। कैसे हो अमरजीत जी, बढ़िया एकदम? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, सो अमरजीत जी, इक्विटी शेयर कैपिटल इस कंपनी का जैसा यहां पे लिखा हुआ है लेटेस्ट दिसंबर 2020 का 315 करोड़ लिखा है, मतलब क्या 315 करोड़ ये कंपनी का क्या है? यस बता सकते हैं, यस मतलब इंक्रीज हुआ है ये, मतलब ईयर वाइज, राइट, इंक्रीज तो हुआ है। सर प्रमोटर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। एक मिनट, किसने बताया ये जवाब, किधर से आया? अमरनाथ जी, ओके, क्या बोला आपने, प्रमोटर का पैसा है ये 315 करोड़, ऐसा ना? यस सर। देखो हम इधर ये कहेंगे स्टेक होल्डर का 315 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब कंपनी की जो कैपिटल है बनाने में जो लगी थी वो 315 करोड़ की एज पर डिसंबर 2020 है, राइट। ये मार्च तक 242 करोड़ थी, ये पहले 150 करोड़ थी, तो कंपनी का भी निवेश यहां पे खुद का बड़ा है, हम कह सकते हैं प्रमोटर्स का भी, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये कितना बड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे
मेरे डेटा में ये लिखना चाहिए कि कंपनी का इक्विटी कितना है 315 करोड़। ये मुझे बहुत काम लगने वाला है, राइट? इक्विटी इन करोड़, ओके? तो 315 करोड़ का मेरा दोस्तों हुआ इक्विटी, राइट? कंपनी में इतना पैसा तो कंपनी ने लगाया हुआ है, लेकिन कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है करीबन 7,500 करोड़। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी में पैसा 315 करोड़ लगाया था पर आज नेटवर्थ 7,500 करोड़ की है? इसका जवाब क्या मुझे अमरनाथ ठाकुर आप दे सकते हो? यस अमरनाथ जी। नहीं सर, नेटवर्थ का नहीं पता है, उस थोड़ा समझा दीजिए नेटवर्थ क्या होता है। ओके, देखो ये लोग यहाँ पे नेटवर्थ लिख रहे हैं, हम हमारी सिंपलिसिटी के लिए समझ सकते हैं कि जो आप टोटल, आप जय किशन जी आप कह रहे थे आज ही कंपनी की वैल्यू कितनी है? अरुण कुमार जी क्या बताया आपने कंपनी की वैल्यू? पैसा भले 315 करोड़ का लगा था पर आज कंपनी के पास 7,500 करोड़ है, राइट? तो कंपनी का जो नेटवर्थ है ये हम ये मान के चलेंगे कितना है 7,300 करोड़। 7,284 करोड़। अब देखो जरूरी नहीं है रिजर्व ये प्रॉफिट से ही आया होगा, कई कंपनियों में नेटवर्थ दूसरे प्रकार से भी उनके रिजर्व में पैसे आते हैं। जैसे कोई वीसी आया और वो वीसी ने इनको 500 करोड़ रुपए दिए, राइट? अब वो जो 500 करोड़ रुपए है वो आएंगे किधर? वो तो नेटवर्थ में ही आने वाले, राइट? तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट करने से ये पैसा बढ़ा है या निवेश से भी बढ़ा हुआ हो सकता है, पर इन शॉर्ट कंपनी के पास, कंपनी का जो नेटवर्थ है टोटल वो करीबन 7,500 करोड़ का है, राइट? और ये बढ़ता जा रहा है, बराबर है? अब दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा इधर, धंधा यानी रेवेन्यू, टॉप लाइन कितनी है दोस्तों? ये तो दिसंबर तक की है, धंधा हमें दिसंबर तक का नहीं देखना है, पिछले साल का जो क्लोजिंग हुआ 2020 का, राइट? देखो अभी तो 2021 के नतीजे भी आ गए होंगे पर ये 2020 के डेटा है, राइट? जो कितने हैं 6,793 करोड़, राइट? तो मैं लिख दूं यहां पे सेल्स कितना है कंपनी का 6,793 करोड़। यस प्रशांत जी, गुड इवनिंग सर। रेस किया हुआ है सर, ये पूछना था कि ये लेटेस्ट रिजल्ट कहाँ मिलेंगे सर इनके, जैसे मार्च 2021 वाला? या अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट के लिए अभी अगर ये लोग रिजल्ट अपडेट करेंगे तो मिलेगा। बाकी इन्होंने जब आरएचपी पब्लिश किया था, राइट, ये तब का डेटा है, बराबर? अब इन्होंने भले सेबी को दिया पर उस समय तक उन्होंने 2020 तक के डेटा डाले हुए थे, दिसंबर 2020 तक का भी इनका देखो धंधा 4,857 करोड़ तो हुआ हुआ है पर ये 9 महीने का है, तो ये हमें परफेक्ट काम नहीं लगेगा। हमारे काम का डेटा कौन सा है, मार्च 2020 कितना धंधा 6,793 करोड़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स कब का है, ये 2020 का 6,793 करोड़, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट, चैतन्य पमीर मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं। रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है, राइट? तो प्रॉफिट कंपनी का 2020 का कितना है, कैन यू सी, 249 करोड़, राइट? तो मैं लिख दूं इधर कंपनी का जो प्रॉफिट है ये कितना है,
249 करोड़, डन, 250 करोड़ का ये प्रॉफिट करती है। इसके साथ ही मुझे 2019 के डेटा में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने 2019 में 26 करोड़ का लॉस भी किया था, तो ये एक डेंजरस चीज है ना। देखो 3 साल के डेटा देख के मुझे क्या पता चला पता है, एक तो इनका जो धंधा है ये 3 साल से बड़ा नहीं है, बड़ा है क्या, 6800 करोड़, 7000 करोड़ और 6800 करोड़, तो 3 साल से बिजनेस बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो जाएंगे, हम इनको कंपेयर करके देखेंगे दूसरी जो सीमेंट की कंपनियां है क्या उनका धंधा बढ़ा है, अगर उनका बढ़ा है और इनका नहीं बढ़ा है सो दिस इज नेगेटिव पॉइंट, राइट। पर ये डेटा अभी हमारे पास नहीं है, ये हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक नेगेटिव इंडिकेटर यहां लिखता हूं कि सेल्स इज नॉट ग्रोइंग, बराबर कि नहीं, 3 साल से धंधे बड़े नहीं है। और दूसरा एक नेगेटिव चीज मुझे मिली, प्रॉफिट नॉट कंसिस्टेंट। अब जस्ट अंदाजा लगाओ, आप शेयर लेते हो, ये कभी वापस प्रॉफिट करेगी, कभी वापस लॉस करेगी, तो मजा आएगा कि? इसलिए मजा नहीं आएगा क्योंकि आप निवेशक, आपको पैसा नहीं मिलेगा कंसिस्टेंट, तो हमें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। अब अगर यहां नहीं है तो सीधा नेगेटिव मत हो जाए, दूसरी कंपनियां देखने की। अब आपके पास जो दूसरी कंपनियां है वो अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है और ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर रही है, देन दिस इज अ नेगेटिव थिंग, राइट। तो आप लोग जो कंपनियों पे रिसर्च करने वाले हो, तुरंत मत बोल देना लॉस है तो पीयूष भाई मैंने तो मेरा बुक ही बंद कर दिया, मैं नहीं रिसर्च करूंगा, ऐसा नहीं है दोस्त, राइट। पीयर ग्रुप, अगर दूसरी कंपनियां प्रॉफिट करे और ये लॉस करे तो हम मानेंगे ये कंपनी घटिया है, राइट। तो यहां पे मेरे को एक नेगेटिव चीज मिली, दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, राइट। ईपीएस इनका कितना है, चलो ईपीएस पे मैं बाद में जाता हूं, उससे पहले चैतन्य और पमीर भद्र आप दोनों से बातचीत कर लेते हैं, पहले चैतन्य, या चैतन्य सर ये नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडेड है या नहीं है? ओके, नेटवर्थ में चैतन्य इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड होता ही है, राइट। नेटवर्थ में सब चीज आ जाती है, रिजर्व भी आ गया और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गया, दोनों चीजें, ओके बराबर है सर, हाँ थैंक यू सर, ओके। एंड या पमीर कहिए, मिस्टर पमीर भद्रा, या आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, ओके नो स्टिल आई कुड नॉट हियर योर वॉइस, आपने अनम्यूट किया हुआ है पर आवाज नहीं आ रही, ओके चलो नो प्रॉब्लम, तब तक मैं प्रशांत जी से बात कर लेता हूँ। आप क्या करो पमीर जी, आप एग्जिट होके वापस एंट्री ले लो, शायद हो सकता है उससे काम बन जाए, बराबर ना। यस प्रशांत जी, यस सर, ये जो सर ये शुरू में हम लोगों ने देखा कि प्रमोटर्स देवर 95% ऑलमोस्ट जो शेयर है, और उसके बाद में प्रमोटर का जो सेलिंग शेयर होल्डर है दैट इज 86.56, तो ये 94% में से इतने बेचेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने देखो अभी जस्ट आप में से मैंने किसका मैं कमेंट भूल गया, उन्होंने अपने कमेंट में ये लिखा हुआ था ग्रुप में कि प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर ऐसा है मतलब वो सब शेयर बेचने वाले हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। जो प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर है अगर हम उनको गिने तो 86% उनका अभी शेयर होल्डिंग है, बेचने वाले लोगों का अभी 86 है, पर बेचने के बाद वो 86% बेचने वाले ऐसा नहीं है, राइट। देखो क्या हो सकता है, प्रमोटर 5 होंगे प्रशांत जी, पर पांचों पांच को इंटरेस्ट नहीं अपना माल बेचने में, तो जो माल बेच रहे हैं उनके पास कितना होल्डिंग है, 87% होल्डिंग है, राइट राइट। अब कितना बेचेंगे वो हम बाद में बातचीत करेंगे, बराबर ठीक है सर, ओके सर, ये टोटल 87% है, या उनके पास टोटल 87% है होल्डिंग, प्रमोटर जो सेल कर रहे हैं उनके पास, बराबर। देखो पांच प्रमोटर होंगे, अब वो पांच प्रमोटर का
होगा कोई, यहाँ जैसा लिखा हुआ है 95% का उनका शेयर होल्डिंग, राइट। पर अगर वो पांच में से चार ही लोगों को इंटरेस्ट है तो एक व्यक्ति तो नहीं बेच रहा है, तो इधर क्या है, प्रमोटर शेयर सेलिंग शेयर होल्डर 87 है, राइट। तो कुछ लोग है जो अपना माल नहीं बेचेंगे, राइट। लेकिन इसकी डिटेल अभी हम ऑपरेशन करेंगे तो उस समय और हाई क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। थोड़ी देर बाद के लिए ये टॉपिक हम रखते हैं, ओके। अब मैं आता हूं, रेवेन्यू क्लियर हो गया, प्रॉफिट क्लियर हो गया, आपको पता चला कि धंधा 7,000 करोड़। मुझे इतना बताओ दोस्तों आप लोग, 7,000 करोड़ का धंधा मतलब छोटा है कि बड़ा है? क्या बड़ा धंधा है? मतलब ये कंपनी तगड़ा धंधा करती है, 7,000 मतलब एकदम छोटी कंपनी भी नहीं है, राइट। तो 7,000 करोड़ का टर्नओवर है, 7 ऑलमोस्ट नेटवर्थ भी जैसा हमने यहाँ पे देखा करीबन 7,500 करोड़ का नेटवर्थ है, मतलब रिजर्व भी उनका अच्छा खासा है, राइट। अब मैं आता हूं ईपीएस पे। देखो ये सब बातें हुई कंपनी की, तुम करते हो 7,000 करोड़ का धंधा, तुम करते हो 250 करोड़ का प्रॉफिट, पर यार मेरे पास क्या आने वाला, मेरे हिस्से में कितना पैसा आएगा? सो 10 रुपीज 28 पैसा इस मेरे हिस्से का पैसा, अर्निंग पर शेयर, आई विल रिपीट, अर्निंग पर शेयर। सो हियर आई विल राइट डाउन ईपीएस, ईपीएस हमेशा कैपिटल में आएगा, 10 रुपीज 28 पैसा, राइट। तो ये मैं समझ गया कि जो ऑफर मुझे की जा रही है, अगर ये ऑफर 500 रुपए पे है, 1,000 पे है, 1,500 पे है, जो ऑफर आप मुझे करो, पर मुझे मिलने वाला तो ये फिक्स ही है। कितना मिलने वाला है, पिछले साल कितना मिला, 10 रुपया 28 पैसा, ये मेरी अर्निंग है। अब अगर मान लो कंपनी 50% डिविडेंड देती है तो 5 रुपया मेरी जेब में डिविडेंड का आएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपए का ईपीएस है और कंपनी आपको 30 रुपया डिविडेंड दे रही है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। कोई साल हो सकता है, हर साल नहीं हो सकता है, बराबर है। तो आपको अपनी अर्निंग भी पता चल जाती है, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना कमाऊंगा। साथ में ये भी याद रखना कि तुम कंसिस्टेंट कमाने वाले नहीं हो, क्योंकि 2019 में तुमने लॉस भी किया है, 2018 का ईपीएस बहुत छोटा था, राइट। तो तैयार हो जाओ, नूवोस में पैसा डालोगे, कंसिस्टेंट पैसा नहीं आएगा। एक जबरदस्त नेगेटिव चीज यहाँ पे हमारे सामने है, अब फिर भी पैसा डालना है तो डालो, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बेसिक ईपीएस ही लेने का, डाइल्यूटेड ईपीएस मत लेना, गहराई पे अभी हम नहीं जाएंगे। एनएवी, अब एनएवी यानी क्या, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी यानी क्या, या लेट मी चेक हियर, ओके। राहुल भाई और हरविंदर जी, हम आप दोनों से बातचीत करते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट, ओके। देखो अमित गौर का नाम ही है यहाँ पे देख रहा हूं, पर अमित गौर आपका तो अभी पहला वीक है, आप वर्कशॉप में जून बैच में ही हो, अगस्त बैच में, तो मैं ये जवाब आप प्रश्न आपको नहीं पूछता हूँ, राइट। मैं अरुण कुमार जी से ये प्रश्न करता हूँ, अरुण कुमार जी, यस, क्या आप बता सकते हो एनएवी यानी क्या, व्हाट इज द एनएवी? एनएवी तो हमने म्यूचुअल फंड की सुनी होती है, तो इधर कहाँ से एनएवी आ गया? यार टर्म तो रिलेटेड सर म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंगली ही है, नेट एसेट वैल्यू या आज की कंपनी की वर्थ, मतलब अगर हम इनकी एसेट्स की वर्थ लगाएं तो 217 रुपए, 218 रुपए पर शेयर, जितना मुझे मालूम है सर वो ये है। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो हम बुक वैल्यू गिनते हैं ना, बुक वैल्यू, हम बुक वैल्यू कैसे गिनते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, कंपनी का नेटवर्थ देख लेते हैं और नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लेते हैं, राइट। ये एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में, अभी हम खाली ईगल साई देख रहे हैं तो हम गहराई पे नहीं जा रहे। पर मैं इतना आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप बुक वैल्यू ही समझो इसको। एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू, मतलब मेरी कंपनी में अगर मैंने एक शेयर लिया है तो मुझे मिलेगा 10 रुपया, लेकिन मेरी वैल्यूएशन 200 रुपए की तो इधर है, तो होगा क्या पता है, आपकी कंपनी ने मान लो 2019 में लॉस किया,
तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का शेयर का भाव 10 रुपया हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। कंपनी के एक शेयर के वैल्यूएशन ही 250 रुपए बनते हैं, तो आपका शेयर कैसे 10 रुपए में मिलेगा? अगर 10 रुपए में मिलता है तो ये तो बढ़िया बात हुई, राइट। तो एक सपोर्ट बनता है। अगर आपकी कंपनी का बुक वैल्यू 218 का है, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का एक वैल्यूएशन आप 200 तो मान ही सकते हो, राइट। तो जब कभी जबरदस्त गिरावट आती भी है तभी भी आपका शेयर 200-300 रुपए पे ये सपोर्ट ले सकता है, बराबर है। सो दिस इज एनएवी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेरी कंपनी का एनएवी जो बुक वैल्यू का करीबी रिश्तेदार है, मैं यहां लिख देता हूं वो 218 रुपया है, 218, है ना। जितनी भी एसेट्स है वो एसेट्स को मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, मेरे पास 218 का जवाब आएगा, राइट। अब आखिरी चीज मैं ले लेता हूं टोटल बोरोइंग, फिर मैं आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं, बराबर है, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। बोरोइंग कितना है बताइए, पिछले साल के हिसाब से मैं देखूं तो कंपनी के सर पे करीबन 4463 करोड़ का कर्जा है, राइट, 4463 करोड़ का कर्जा, 4500 करोड़ का, कम है कि ज्यादा है, क्या कहते हो आप? ये हम कैसे गिने कि ये कम या ज्यादा है? चलो मैं क्या करता हूं, लेटेस्ट दिसंबर के हिसाब से इनके सर पे कर्जा बता रहा है इधर 7589, तो मैं कौन सा कर्जा कंसीडर करूंगा, मार्च एंडिंग वाला की ये लेटेस्ट ही लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने लेटेस्ट बोरोइंग 7589 करोड़ लिया, मैं यहां लिख देता हूं बोरोइंग इज 7589 करोड़, तो करीबन 7500 करोड़ का कर्जा है, और कंपनी का नेटवर्थ कितना है वो भी 7500 करोड़ का, राइट। तो मुझे गिनना है 7284 करोड़, मुझे गिनना है ये बोरोइंग ज्यादा है कि कम है। तो मैं कैसे गिनता हूं, आप लोग को पता है ये पुरानी फॉर्मूला, डेब्ट टू इक्विटी, राइट। टोटल डेब्ट कितनी है कंपनी की, 7500 करोड़। अब नेटवर्थ यानी क्या, टोटल इक्विटी, रिजर्व में कितने पैसे है, पेड अप इक्विटी, सब कुछ आ गया। तो मैं डेब्ट टू इक्विटी अगर ढूंढू तो ये डेब्ट 7589 करोड़, इक्विटी 7284 करोड़, कितना हुआ बताओ मेरे को इधर, 104%। तो क्या ये कंपनी कम डेब्ट रखती है, कि ये कंपनी डेब्ट बर्डन वाली है? यस प्लीज, हाई डेब्ट, एम आई राइट। अब देखो सीमेंट में आपको डेब्ट फ्री कंपनी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली, पर यार डेब्ट फ्री ना मिले तो ना सही, पर कुछ कंफर्टेबल डेब्ट वाली तो कंपनी होनी चाहिए ना। तो क्या, कौन सा डेटा को हम कहेंगे दिस इज द कंफर्टेबल डेब्ट? 30% से ज्यादा डेब्ट अगर है तो फिर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, बराबर है। वो कंपनी को हम हाई सोलवेंट कंपनी नहीं कह सकते हैं जिसकी 30% से ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी है। तो यहां पे तो ये डेटा देख के इतना पता चल गया कि डेब्ट कंफर्टेबल नहीं है, और इसी वजह से ये कभी कभी लॉस भी करती है, किया है ना इन्होंने यहाँ पे लॉस, राइट। सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस कंपनी एज पर डेब्ट, करेक्ट। तो हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का निकाल दिया, बराबर है। चलो मुझे ईगल्स आई व्यू में जब मैं समरी कर रहा हूं कंपनियों की तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले है, राइट। वो इंफॉर्मेशन में मुझे पता चला कंपनी की पेड अप इक्विटी 315 करोड़ की है, पर कंपनी की टोटल इक्विटी नेटवर्थ 7500 करोड़ का है, धंधा ये कंपनी करीबन 7000 करोड़ का करती है, प्रॉफिट पिछले साल का 250 करोड़ का है जो कंसिस्टेंट नहीं है, मेरे हिस्से में तो 10 रुपये आने वाले हैं, तो मैं एक शेयर लूंगा, इस साल की मेरी अर्निंग 10 रुपया हुई, पर 10 रुपया मेरी अर्निंग हुई पर मेरा कंपनी के पास 200 रुपया तो पड़ा हुआ है, राइट। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो 200 रुपए की है जिसमें मेरा भी हिस्सा है,
तो मेरा हिस्सा कंपनी के एसेट में कितना हुआ, 217। देखो ऐसी जो कंपनियां होती है भाव ऐसे ही बनता है दोस्तों। अब ये कंपनी आप बोलो मुझे 150 रुपए में चाहिए, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, राइट। तो आपको कंपनी की जो प्राइसिंग होती है वो एनएवी, कौन सी चीजों पे डिपेंड होती है पता है प्राइसिंग? एक एनएवी, एक ईपीएस, एक कंसिस्टेंसी ऑफ द ईपीएस। अगर हाई कंसिस्टेंट कंपनी होती है तो वो ज्यादा पैसा मांग सकती है, कि चिंता मत कर दोस्त, चिंता मत करो, मैं बरसों से प्रॉफिट कर रही हूं। जो आईआरसीटीसी आई तब उसने बोला था हमें कि कोई टेंशन मत लो, मैंने जिंदगी में कभी लॉस किया ही नहीं है। तो तुम अगर मेरे में इन्वेस्ट करोगे तुम जिंदगी में कभी लॉस नहीं करोगे। पर यहाँ पे ये कंपनी चिल्ला के कह रही है मैंने पिछले साल ही लॉस किया है, अभी भी दोस्ती करनी है तो आ जाओ, हाई वॉलेटाइल हूं मैं, राइट। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन कैन गिव यू सम क्लियरिटी। बोरोइंग का डेटा भी आपके सामने है तो आपको पता चल गया दिस इज नॉट अ लो डेप्ट कंपनी, दिस इज अ हाई डेप्ट कंपनी। डन दोस्तों? चलो, इतने डेटा हमने पहले दिन डिस्कस किए, बाकी डेटा हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप लोग इतने डेटा अपने अपना जो आपने जो टैब बनाया हुआ है उसमें डाल दीजिएगा, राइट। हम जब नेक्स्ट थर्सडे को बातचीत करेंगे तब तक आपको अपनी कंपनी की इतनी तो क्लियरिटी आ जाए कि आपकी कंपनी कौन से क्षेत्र से है, बड़ी है कि छोटी है, कोई ग्रुप ग्रुप है कि नहीं अच्छा, राइट। ऑफर कितने की है, कितनी इक्विटी है, क्या नेटवर्थ है, धंधा कितना करती है, प्रॉफिट करती है कि नहीं, और कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है प्रॉफिट में, ये लिख दिया मैंने, मेरे हिस्से में कितना पैसा मिलेगा, बुक वैल्यू क्या, बोरोइंग क्या, डेप्ट टू इक्विटी क्या। दिस मच इंफॉर्मेशन कैन गिव यू सम आइडिया अबाउट योर कंपनी, राइट। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करने ही वाले हैं, पर आप लोगों में से जिन्होंने हैंड रेज किए हुए चलो मैं एक एक करके बातचीत कर लेता हूँ। यस राहुल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी। यस प्लीज। यस सर। सर हमने सेल्स एंड प्रॉफिट मार्च 20 का कंसीडर किया, तो ये नेटवर्थ एंड इक्विटी दिसंबर 20 का क्यों कंसीडर किया? करेक्ट, राइट। बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल भाई आपका, क्योंकि देखो धंधा ये आधा है और ये जो रेवेन्यू है ना 4857 ये 9 महीने का है, तो 12 महीने में आते आते ये बढ़ जाएगा, राइट। तो ये धंधा और प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं है, ये डायनेमिक है, ये तो 12 महीने के बाद चेंज होने वाला है। तो हम ये 9 महीने के रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं ले सकते, हमें 12 महीने के लेने पड़ेंगे। लेकिन जो इक्विटी है, जो नेटवर्थ है, वो आपको लेटेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि उसका ये रेवेन्यू प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। तो लेटेस्ट डेटा कौन सा लेंगे राहुल भाई? जब भी कोई आईपीओ देखो, इक्विटी, नेटवर्थ, बोरोइंग, ये कौन सा डेटा लोगे आप? लेटेस्ट डेटा लोगे। पर रेवेन्यू और प्रॉफिट कौन सा लोगे? पूरे साल का जो अपडेटेड डेटा होगा वो। ये अधूरा है इसलिए हमने नहीं लिया। क्लियर राहुल भाई? ओके ओके, श्योर सर। सर फॉर एग्जांपल अगर दूसरे कंपनी का 6 मंथ्स का ही डेटा अवेलेबल है तो यही प्रोसीजर फॉलो करनी है फॉर ऑल कंपनी? सेम प्रोसीजर, सेम। देखो अगर कई कंपनी में आपको 3 महीने का ही मिलेगा जो अभी लेटेस्ट आई होगी ना, बराबर, तो अभी 3 महीना 6 महीना काम भी लगेगा, तो आप उसमें भी रेवेन्यू प्रॉफिट जो पुराना है वो ले लो। पर वहां पे भी इक्विटी कौन सा लोगे? वो 3 महीने वाले में जो दिया हुआ है ना, लेटेस्ट लेने का इक्विटी, इक्विटी, नेटवर्थ, बोरोइंग, ये सब डेटा लेटेस्ट ले लो। डन? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो राहुल भाई से हमारा बात हो गया। हरविंदर जी, या कैसे हो हरविंदर जी? एकदम बढ़िया हेल्थ है ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, आप बताइए। चलो एकदम बढ़िया, आपके घर के खमंड मेरे को याद आते हैं अभी भी। बढ़िया एंजॉय किया था आपके साथ, और जो हमने पिज्जा मंगवा के जो खाया था आखिरी दिन, वो भी हमको पक्का याद है। आप, हम और सुरेंद्र भाई जी दिल्ली में है ना, वेन्यू, बढ़िया। कहिए अरविंदर जी, क्या क्वेरी है?
सर मेरी क्वेरी बहुत छोटी सी है लेकिन वो हर बार स्किप हो जाती है तो जिसकी वजह से मुझे हर बार उसमें कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, वो क्वेरी ये है कि ईपीएस जैसे हमने देखा कि बेसिक, आपने बोला बेसिक ईपीएस लेना है, डाइल्यूटेड को गहराई में हम नहीं जाएंगे, राइट। तो वो गहराई में ना जाने की वजह से मुझे हर बार कंफ्यूजन रहती है कि वो क्या होता है और ये दो बार क्यों दिया होता है जबकि फिगर्स भी सेम होती है। देखो यहाँ पे सेम है पर कुछ जगह पे थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, बराबर ना। पर ये इस बार जो हम अभी जब इनका ऑपरेशन करेंगे ना तो बेसिक डाइल्यूट दोनों देख लेंगे, बराबर है। ओके तो है, चलो इसका चिंता मत करो, ये मैं ध्यान में रखूंगा, राइट। ठीक है, थैंक यू। ओके अरविंद, यस यस, हमने मीटिंग खत्म कर लिया है, हम खाली जो हैंड रेस किया हुआ है उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पूरा चीज आज के दिन में खत्म नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट थर्सडे भी मिलके और आगे बढ़ेंगे, बराबर है। या चिंतन देसाई, यस यू कैन रेज योर क्वेरी। सर मेरा क्वेरी स्पेसिफिक ये आईपीओ के लिए नहीं था, पर ये जो बुक वैल्यू है नेट एसेट वैल्यू, हाँ जी, जो 218 है, लेट्स से हम कोई स्क्रिप्ट, इफ वी रीड एनी स्क्रिप्ट और वहां पे उसकी मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है तो तो इट इज अ गुड इंडिकेशन और बैड, और अगर इफ वी टेक एंट्री इन दैट शेयर तो वो केस में वो शेयर बुक वैल्यू या उसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन बहुत सी बार काम लगता है, राइट। देखो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। चिंतन भाई, राइट। सो चिंतन भाई, बुक वैल्यू किसके साथ जुड़ी हुई है, ये 218 रुपया जवाब कैसे आया? नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नेटवर्थ। ओके, तो मैं चलो यहाँ नेटवर्थ मान लेता हूँ, राइट। अब नंबर ऑफ शेयर तो क्या है, बहुत बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, राइट। पर बढ़ेगा घटेगा क्या पता है, नेटवर्थ। हाँ जी, तो नेटवर्थ किसके साथ जुड़ा हुआ है? रेवेन्यू, इक्विटी कैपिटल, ये सब प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट, चिंतन भाई, हाँ, प्योर प्रॉफिट की आइटम है ये, राइट। अब जो कोई कंपनी आप देख रहे हो वो कंपनी अगर हर साल प्रॉफिट करती जा रही तो वो डिविडेंड बांटने के बाद की जो रकम है उससे वो नेटवर्थ हर साल बढ़ती जाएगी, राइट। राइट, तो नेटवर्थ बढ़ेगी आपकी अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो क्या बढ़ेगा, बुक वैल्यू बढ़ेगा, राइट। तो जनरली जो अच्छी कंपनियां होती है उनकी बुक वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है। आज ये 200 रुपए की बुक वैल्यू है, कल आप इसको 2000 देखोगे, राइट। अब इसका उल्टा होता है चिंतन भाई, कई कंपनियां होती है जो लॉस मेकिंग होती है, राइट। ओके, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में निवेशक को पता ही है कि आज की 200 रुपए की बुक वैल्यू कल 2000 पहुंचने वाली है, वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनियों में भी निवेशकों को पता होता है कि दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। मतलब आज अगर इसकी नेटवर्थ 7,500 करोड़ है और इस साल इन्होंने 1,000 करोड़ का नुकसान किया, अगले साल कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगा, घटेगा। अब ऐसे ही अगर आपकी कंपनी हर साल नुकसान पे नुकसान करती चली गई तो हर साल आपकी नेटवर्थ क्या होगी, कम होती जाएगी। एवरी ईयर आपकी नेटवर्थ कम हो रही है, मतलब आपकी बुक वैल्यू कम हो रही है, राइट। राइट, तो निवेशक जो होशियार होते हैं, फ्यूचरिस्टिक निवेशक होते हैं, उनको पता है कि आज अगर मैं ये 200 रुपए की बुक वैल्यू देख रहा हूं और ये कंपनी नुकसान पे नुकसान कर रही है तो ये 5 साल बाद 50 रुपए की हो जाएगी, राइट। इसी वजह से ऐसे घटिया शेयर जो होते हैं वो हमेशा बुक वैल्यू से कम भाव पे बिकते हैं। कौन से भाव पे बिकते हैं चिंतन भाई? कम भाव में, कम भाव पे। तो जो नॉर्मल निवेशक होते हैं ना, जो लोग लिस्ट ढूंढ रहे हैं कि मेरे को ऐसी कंपनी बताओ जो बुक वैल्यू से भी कम मिल रही है, उनके हाथ में सब घटिया कंपनी आ जाती है चिंतन भाई, राइट। क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन हमें होना चाहिए चिंतन भाई कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बुक वैल्यू से भी कम में ये शेयर मिल रहा है। जैसे आप जेपी एसोसिएट थी, जेपी इंफ्रा थी, लांको थी, सुदलोन थी, जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनियां थी हमने बरसों से उनको देखा था,
कि एक समय पे उनकी बुक वैल्यू थी और वो बुक वैल्यू से कम ही मिलते थे पर लोगों को वो अट्रैक्ट करते थे, वो बोलते थे पीयूष भाई इसकी तो बुक वैल्यू 25 है 20 रुपए पे मिल रही है तो कितना अट्रैक्टिव है। उनको पता नहीं है ये बुक वैल्यू आप पिछले साल की देख रहे हो, इस साल वो 25 कितना हो जाएगा चिंतन भाई, कम हो जाएगा, 20 ही होने वाला है। बुक वैल्यू से डिस्काउंट में मिलता है तो बाय नहीं करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी देख के बाय करना चाहिए, बराबर है? तो सर मुझे जो समझना है कि जो बुक वैल्यू जो है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर, जो नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अभी सपोज ये 217 है पर मार्केट में प्राइस चल रहा है 500 रुपया या 600 रुपया, तो जो डिफरेंस है डिफरेंस वैल्यू, वो डिफरेंस वैल्यू इज ड्यू टू मार्केट इन्वेस्टमेंट, लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी वजह से, पर एक्चुअल जो शेयर की वैल्यू है वो 217 है, करेक्ट ना? बराबर बस ओके। और दूसरा एक्चुअल वैल्यू 217 रुपया है पर जो डिफरेंस है वो मार्केट की वजह से नहीं है। तो देखो इसको थोड़ा समझो चिंतन भाई, अगर ये कंपनी डीलिस्टेड भी होती ना, मान लो कि ये कंपनी डीलिस्टेड है आती ही नहीं है बाजार, और आप इनके मालिक को मिलते और बोलते कि भाई तुम्हारी कंपनी के वैल्यूएशन 217 है, मेरे को तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाना है, तो आपको क्या लगता है क्या वो आपसे 217 रुपए लेते एक शेयर का? नहीं, वो तो ज्यादा ही मांगता है। ज्यादा मांगते, क्यों ज्यादा मांगते पता है? वो आपसे कहते कि ये 217 तो अभी का है, पर हमने इतना बड़ा जो सिस्टम बनाया जिसकी वजह से ये 200 हर साल बढ़ता जा रहा है, ये कल 1000 पहुंचने वाला है तो मैं तुमको 200 में थोड़ी ना दूंगा, 500 में लेना हो तो लो नहीं तो नहीं। अब आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है नहीं 500 नहीं 400, बराबर, वो किस कौन से बेसिस पे होगा पता है? कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है चिंतन भाई? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट, राइट? देखो मैं यहाँ पे एक कंपनी बताता हूँ आपको, सेम बीएससी इंडिया पे चले गए और इनकी साथ की एक कंपनी हम देखते हैं अल्ट्राटेक, जो सबसे बड़ी कंपनी है इनके क्षेत्र में, राइट? ये अपनी बुक वैल्यू से कितने ज्यादा भाव पे चल रही है, क्या लिखा हुआ है पीबी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 5 times, राइट? तो इनका भाव है करीबन 7500 रुपया, तो इनकी रियल बुक वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 5 मतलब 800। या अब आप में से किसी को ये ध्यान है कि ये जो कंपनी है नूवो, ये कौन से प्राइस पे इन्होंने आपको ऑफर किया था आईपीओ में? एनीबॉडी? नहीं आइडिया सर। क्या ग्रुप में किसी ना किसी को शायद पता होगा, 1500, 1500 ना अरुण भाई? ओके चलो, तो जवाब मिल गया हमें। तो मुझे बताओ कितनी बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू पे नूवो को आया? 7 times. अब हमें अल्ट्राटेक कौन से भाव पे मिल रहा है? 5 times. 5 times, राइट? राइट, पर सर श्री सीमेंट इसमें कितना? या कहिए कहिए। हाँ 6 times है इसमें सर। क्वेश्चन ये था, कंफ्यूजन ये था के बुक वैल्यू तो समझ में आ गई, और जो जैसे अल्ट्राटेक की है जो 5 times है, बट 5 times जो है दैट इज ड्यू टू ये प्रॉफिट जो बढ़ रहा है उसकी वजह से है, क्योंकि देयर आर 2-3 factors ना, जैसे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और पैसे डालते हैं निकालते हैं, तो वो वॉल्यूम ज्यादा रहता है कंपेयर टू जो उसका नेटवर्थ है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल वैल्यू है शेयर की? बुक वैल्यू इज वन पार्ट, पर जैसे 217 है वो 1500 पे दे रहा है, पर एक्चुअल कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी वैल्यू 300-400 होनी चाहिए, आई मीन कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स, तो वो कैसे पता चलता है? देखो उसके लिए ये तीनों चीज आपको ध्यान में लेने की। सबसे पहला मेरे को आज का वैल्यू पता चला कितना है, 217। इसको कंबाइन करना पड़ेगा हमें ईपीएस के साथ कि 218 वैल्यू है, मैं साल का कितना कमा रहा हूं? 10 रुपया, 10 रुपीज कमा रहा हूं ना मैं, राइट? अब 10 रुपीज कमा रहा हूं मैं, तो मेरे पास इनकम भी एक आ रही है 10 रुपए की,
ये इनकम अगर कंसिस्टेंट नहीं आ रही है तो मेरी बुक वैल्यू बढ़ने वाली नहीं, अगर कंसिस्टेंट आएगी तो ही बुक वैल्यू बढ़ेगी। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी हो, जितना अच्छा आपका ईपीएस हो, उतना बढ़िया वैल्यूएशन पे आपको भाव, उतना ज्यादा भाव चल रहा होगा आपकी कंपनी का, राइट। अब जितनी ऑब्वियस है, जितनी बढ़िया कंपनी उतनी महंगी मिलने वाली है आपको, राइट। अब लेना सब वो बात की बात है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम रिसर्च करके बात करेंगे, राइट। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है एक शेयर लेने पे, 10 रुपया आपको साल का मिल रहा है और 200 रुपया आपका एक्चुअल वैल्यूएशन है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे नेटवर्थ है 7284 और रेवेन्यू है हमारा 6792, सो रेवेन्यू इज पार्ट ऑफ नेटवर्थ और नो, और इट इज एडिशनल है ना? हाँ, तो रेवेन्यू और नेटवर्थ बिल्कुल अलग चीजें, राइट राइट। तो ये रेवेन्यू तो सबसे इम्पोर्टेंट, चिंतन भाई, रेवेन्यू क्या है? धंधा है, सेल्स है वो। बराबर, अब धंधे से मैं घर ले जाऊंगा कुछ तब मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये था कि 7000 प्लस ये 6792 ये दोनों ऐड करते हैं, सो दैट इज द टोटल, उसमें से 7588 इज अ बोरोइंग, ये इंटरप्रिटेशन ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखो 7500 करोड़ इज योर नेटवर्थ, राइट। तो ये तो आपकी नेटवर्थ होगी, इसको आप अलग ही रख दो, ये बैलेंस शीट की एक आइटम हुई। Okay. कि आपकी भी कंपनी की एसेट कितनी है, तो ये 7500 करोड़ की आपके पास एसेट है, right। पर ये एसेट बनी कैसे, कैसे 7500 करोड़ की आपके पास एसेट आई? तो बनती है या तो आपकी इक्विटी से, या तो फिर कंटिन्यू जो प्रॉफिट आए उससे, या तो फिर बोरोइंग। तो ये केस में हमें इतना भी समझना होगा कि अगर 7500 करोड़ की नेटवर्थ है तो 7500 करोड़ की बोरोइंग भी है। हाँ, वही कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि 7284 कंफ्यूज मत हो जाओ, और बोरोइंग ज्यादा है ना। सोचो चिंतन भाई, भी हमने बैलेंस शीट को गहराई से नहीं देखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। राइट, इसको इतना सिंपल रखो कि व्हाट इज पॉजिटिव, तो नेटवर्थ इज पॉजिटिव, 7500 करोड़ की नेटवर्थ है। अगर खाली नेटवर्थ ये होती तो इट वॉज गुड थिंग, पर साथ में नेगेटिव क्या है, ये नेटवर्थ अकेली नहीं है, बोरोइंग भी है, दिस इज नेगेटिव थिंग, बराबर है? राइट राइट, ओके क्लियर। अब प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम बाद में देखेंगे, बराबर, okay। जब इनका ऑपरेशन करेंगे, ओके। थैंक यू सर। ऐसे समझ सकते हैं ना कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं और मैंने 100 रुपए किसी से उधार ले रखे हैं। हां, जो आज मेरी एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर ना, जो मेरे पास जो है वो मेरे उधारे के ही है अभी तो, बराबर है। इसमें यहाँ पे 7500 जो बोरोइंग दिख रही है, और आगे में उसने 15300 वो बोरोइंग पे करेगा, तो हाँ। ये फिगर दोनों मैच नहीं हो रही है जो आगे, वो आगे कभी नहीं होगी। देखो क्योंकि वो कैसे हाँ। इनके पास बोरोइंग कितना है, 75000 करोड़, हाँ। पर आज इनको पैसा कितने माल मिलने वाला है, कितना, 1500 करोड़ फ्रेश इशू से। तो भी 1500 करोड़ में ये क्या करेंगे, मतलब इनका कुछ भी डेप्ट कम नहीं होने वाला है। कितना कम होगा, 7500 करोड़ में से 1350 करोड़ निकाल, बराबर। देखो कितना ये लोगों ने दिया हुआ था, 1350 करोड़, 1350 करोड़ ये लोग बोरोइंग में यूज करने वाले। तो अभी 7500 में से कम कितना हुआ, 1350 माइनस 7588, या तो मतलब ये तो अभी भी इनके सर पे 73000 करोड़ जितना तो इनके सर पे बोरोइंग रहने ही वाला है, बड़ा वाला। बोरोइंग है, हाँ। है ना, तो कंपनी डेब्ट बर्डन वाली है और रहेगी, राइट राइट। ये पैसे से इनको कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं ज्यादा पैसे तो प्रमोटर के पास जा रहे हैं। इनफैक्ट वो 3500 जो वो अपने पास रख रहा है उसमें से भी कम नहीं होगा, तो नहीं होगा ना उसमें से भी वो तो पूरा उनके पास जाने वाला है,
टोटल 7500 में से 5000 निकालेंगे तो भी 2500 तो रहने ही वाला है उसका, रहने ही वाला है। मतलब ये कंपनी डेफ्री नहीं हो सकती है, डेफ्री होना डिफिकल्ट है आज भी नहीं, और इसको 10 साल लगेंगे तो भी ये डेफ्री तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए उसको कितने बड़े प्रॉफिट करने पड़ेंगे, और वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है तो डिफिकल्ट है। तो देखो ये जो समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, ये मिक्सचर है, ये बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों चीजों को कंबाइन करके इसने आपको दिया हुआ है, बराबर। तो इससे हमें कुछ आइडिया आ जाएगी कि कंपनी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। थैंक यू। सो अनिल पारी जी कहिए। यस अनिल जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल भाई, सो ऑल इज वेल सर? सर बढ़िया सर, बढ़िया। हरिद्वार में बढ़िया है ना सब कुछ? पहले गुड न्यूज यू है सर, बेटा चला गया यूएस। अरे वंडरफुल। और मेरा जो क्वेश्चन था सर, वो चिंतन भाई के क्वेश्चन में काफी कुछ सॉल्व हो गया, मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी जैसे प्रमोटर में नाम लिखा हुआ है और उसकी जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो नील दिखा रहा है, तो फिर वो इक्विटी इसका नाम प्रमोटर में कैसे आ गया सर, ये पूछना। बराबर है। अब चलो ये हम क्लियर कब करेंगे, आज नहीं करेंगे अनिल भाई, क्योंकि हम अभी ये प्रमोटर का भी ऑपरेशन करने वाले। एक व्यक्ति देखेंगे, एक शेयर भी किसके पास है, क्योंकि ये प्री आईपीओ है तो हमें पूरी डिटेल मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है सर, अभी मैं वो टॉपिक खोलूंगा तो वो टाइम लेगा, तो अभी मैं उसको अभी नहीं कर रहा हूँ, वापस लेने ही वाले हम लोग, बराबर। राइट सर, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे बुक वैल्यू है हमारे को कोर्स में इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, तो एक्चुअल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, या हमें देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए बुक वैल्यू, या नए इश्यूज के लिए? देखो ये कब जरूर पड़ती है पता है अनिल भाई? हाँ जी। बुक वैल्यू की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी कंपनियां नुकसान कर रही हो। यस यस यस, क्योंकि आपकी कंपनी जैसे जोमाटो है, जोमाटो लॉस मेकिंग है, तो मैं कौन से भाव पे बेचूं, तो उसके लिए बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी कि तुम्हारी बुक वैल्यू क्या है, फिर मैं तय करूंगा इतनी कीमत, राइट। जैसे कुछ कंपनियां हैं अभी वंडरला, यस सर, राइट, एकदम बढ़िया कंपनी वंडरला, पर पिछले साल तो लॉस किया, यस सर, किया ना, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये वंडरला ने लॉस किया, पीवीआर ने लॉस किया, तो जब ये 50 रुपए का ईपीएस होता था, 1000 भाव होता था, अब -10 रुपए का ईपीएस है तो ये 20 रुपए क्यों नहीं हो जाता है? वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बुक वैल्यू भी तो है। okay. तो ये इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, आपको 10-1 साल में एक आध बार जरूर पड़ेगी। अब जैसे मेरे को कंपनी में तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कोई आपने जो पढ़ाया वो तो हमेशा बोला कि लीडर कंपनियों के साथ है, अगर कुछ कंपनियां जिनका मतलब आपका जो पैटर्न है वो चेंज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है, तब हम वो ट्रिगर पॉइंट क्या है कि वो बुक वैल्यू से कितना ऊपर जाए तो हम उसे कंसिडर कर सकते, करने का ही नहीं अनिल भाई, ये लॉस से प्रॉफिट में आने वाली वापस लॉस में आ जाएगी। ओके, वेरी गुड सर, क्लियर हो गया। नहीं भूलने का, मैं जब भी कोई लॉस को प्रॉफिट वाली कंपनी खरीदूं तो मुझे ये पता रहे कि दूसरी कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, अच्छा तो देखना ही नहीं है, वही अव्वल है, हम टर्न अराउंड वाली में जाएंगे तो हमारा ही टर्न अराउंड हो जाएगा। ओके ओके, देखना ही नहीं है सर, अवॉइड दोस्त, या राइट सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच अनिल भाई। यस असीम भाई, हम जेनरिक से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वाई शुडंट वी लुक एट द इंडस्ट्री डेट इक्विटी? एब्सोल्युटली इंडस्ट्री देखनी चाहिए, 30% है ना, कंफर्टेबल लेवल है असीम जी, तो अगर इंडस्ट्री ऐसी भी है आपकी जिसमें बहुत डेप्थ है तो भी 30% से ज्यादा है ना, तो फिर मेरे को वेटेज थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, मैं ज्यादा वेटेज नहीं दे सकता हूँ वहां पे, भले वो इंडस्ट्री में पैसा चाहिए ही चाहिए, जैसे अभी जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सीमेंट, तो सीमेंट में आपको लीडर भी नहीं मिलेगा जो डेप्थ बर्डन वाला नहीं है, वो भी डेप्थ वाला ही, पर अगर लीडर भी 30% से ज्यादा डेप्थ रखता है तो मैं मेरा वेटेज कम रखूंगा असीम जी। ओके, हर कंपनी का ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं हो सके उतना 30% तक वापस लेके आऊं, राइट,
डेप्ट उतनी होनी चाहिए इक्विटी से 30% जितनी, राइट सर? फाइन सर, थैंक यू. ओके, धन्यवाद असीम जी. एंड शिवम सिंह, क्या कहिए शिवम जी? शिवम सिंह से मेरे ख्याल से पहली मुलाकात है, कभी बात नहीं हुई होगी. यस या कहिए शिवम सर. सर एक क्वेश्चन था कि ये नेटवर्थ जो है इसी को टोटल इक्विटी कहते हैं सर? टोटल इक्विटी क्या है उसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे, कुछ देर बाद मतलब नेक्स्ट वीक बात करेंगे, क्योंकि अभी क्या है हमने शिवम भाई हमने बैलेंस शीट देखा नहीं. ठीक है, राइट. तो बैलेंस शीट नहीं खोला है और अगर उनके बारे में बातचीत करेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. बराबर है सर, सर, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस समय के लिए ये प्रेक्षण को रखो आप, राइट. कहिए दूसरा. सर ये नेटवर्थ ये वैल्यूएशन मतलब की होती है कि डिफरेंस होता है इसमें कुछ? नेटवर्थ वैसे ही गिना जाता है आपकी इक्विटी और अदर इक्विटी को कंबाइन करके. ठीक है, राइट. तो ये प्रॉपर यू ही नेटवर्थ हुआ, पर मेरे को उसमें से जब मैं वैल्यूएशंस गिनूंगा तो मैं उसमें बहुत सी अलग चीजों को कंसिडर करूंगा. मैं बोरोइंग देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि कंपनी का नेटवर्थ बढ़े ऐसा है कि घटे ऐसा है आने वाले समय में. हर घटता हुआ नेटवर्थ मेरे लिए हाई रिस्क है, राइट. और बढ़ता हुआ नेटवर्थ ही नहीं, मुझे अच्छे ग्रोथ से बढ़ता हुआ नेटवर्थ वाली कंपनी चाहिए. कम से कम 12-15% से तो नेटवर्थ बढ़ना ही चाहिए कंपनी का, तभी मैं पैसे कमा सकूंगा, राइट. सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर. मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए जैसे क्या कहते हैं, मैंने कोर्स किया था आपका, तो उसमें एक चीज बताई थी आपने कि इक्विटी मतलब कि मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए अगर हम इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस डेट को ले लें, ठीक है, जैसे किसी कंपनी को, और उसको उसी कंपनी का एनालिसिस करें हम लोग, मतलब कि उसके मैनेजमेंट को एनालिसिस करने का ये पैरामीटर सही होता है कि नहीं होता है? देखो कुछ हद तक आपको वो बता सकता है. कुछ तीन फंड, ये जो तीन फंड लगे हुए इक्विटी रिजर्व प्लस डेट, इनसे ही मतलब कि इन तीन के अलावा तो कोई किसी और पैसों से तो बिजनेस वो मतलब कि चल नहीं रहा है ना, इन्हीं तीन पैसों से चल रहा है. तो इन तीन पैसों को जब हम देखते हैं किसी और उससे क्या कहते हैं कंपनी के तो जो इक्विटी रिजर्व और डेट लगा हुआ है, तो अगर सेम मतलब कि 500 करोड़ का ये तीनों आ रहा है सर, टोटल फंड जितना भी है ये वर्किंग कैपिटल इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस डेट, ये 500 करोड़ आ रहा है दोनों कंपनियों का, और सेल्स में मतलब कि सेल्स जो कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है इस और दूसरी का नहीं? कुछ हद तक. ठीक, ये भी हम पूरा नहीं कह पाएंगे. देखो तीनों जो चीज है ये कंबाइन करके दिया हुआ है, पर दोनों बिल्कुल अलग है. इनकम स्टेटमेंट का अपना एक रोल है जिसमें सेल्स प्रॉफिट फाइनेंस और ये सारी चीजें आती है, तो हमको उसको एक अलग नजरिए से ही देखना पड़ेगा, और जब हम उसका ऑपरेशन करेंगे तब आपको इसका प्रॉपर जवाब मिल जाएगा. ठीक है, पर अभी के लिए आपको इसको थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा, राइट. आप इतने डेटा से पूरा डिसीशन नहीं ले पाओगे शिवम भाई, ये खाली एक ईगल साई, तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको ईगल साई तक ही रहने. बराबर ना? ठीक है सर, राइट. थैंक यू, थैंक यू. या राहुल भाई कहिए. या राहुल गायकवाड़. ओके, मेरा हो गया सर, पहले पहले हो गया ना. चलिए, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो अभी हमारा जो बातचीत हुआ है हम सबका, वो कौन से बेसिस पे बातचीत हुआ है? सिर्फ ईगल्स आई व्यू हमने लिया है. नेक्स्ट थर्सडे यही समय 7-9 फिक्स रखिए, और हम नेक्स्ट संडे और गहराई में जाके चीजों को देखेंगे, क्योंकि इतनी चीजों से हर चीज नहीं पता चलेगी, राइट. पर तब तक के लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने जो अपनी अपनी कंपनियां बनाई है यहाँ पे अलग 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 करके, उसमें इतने डेटा फीड कर दो ताकि हम नेक्स्ट जब बात करें तो आपको हाई क्लियरिटी हो जाए, राइट. चलिए, सो नेक्स्ट वीक तक के लिए थैंक यू वेरी मच सर. एक और मेरा सबमिशन था सर, अनिल पाल. हाँ कहिए. हाँ सर, ये जो हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि आपने ये बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया है हमारे को आपके कल के बर्थडे पे,
ये जो आपने ये जो वर्कशॉप चल रही है बहुत बढ़िया बेहतरीन है सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। धन्यवाद आपका अनिल भाई। देखो मुझे बहुत सी चीजें मेरे ध्यान में रहती है कि इतनी 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 कमियां रहने वाली, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में 3-4 महीना मिलते हैं पूरा हम प्रयास करते हैं कि एकदम पक्का हो जाए, लेकिन कुछ चीजों को अनुभव के बाद सीखना होता है। तो ये सब चीजें अगर कवर हो जाती है तो इससे और हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, बराबर। थैंक यू, चलिए सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। Thank you, sir.